हेलो बच्चों, आज अपन बेटा डिस्कस करने वाले हैं जीनियस 12th क्लास फिजिक्स पेपर के सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले बेटा अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको गिवन है बेटा, 5 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर। ड्यू टू नेग्लिजेंस वन सेल इज कनेक्टेड रॉन्गली, देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा ये बोला गया है कि सीरीज में बेटा जनरली अपन बल्ब कनेक्ट करते हैं या सेल कनेक्ट करते हैं बेटा, तो लाइक आपका फर्स्ट सेल है, देन बेटा सेकेंड सेल है, देन थर्ड सेल है, सिमिलरली बेटा आपका फोर्थ सेल है, देन फाइव सेल है। इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा अपन मेंशन भी कर सकते हैं और मेंशन नहीं भी करें तो भी कोई जरूरत नहीं है बेटा। इस तरीके से अपना यदि सेल कनेक्टेड है तो सीरीज कॉम्बिनेशन को बेटा डिफाइन करता है, और इस केस में बेटा जो ईएमएफ है उसको अपन ऐड कर देते हैं। बट इसने बोला कि इनमें से कोई एक सेल जो है वो बेटा बाई चांस आपसे रॉन्ग कनेक्ट हो गया, यानी उसकी पोलैरिटी बेटा चेंज कुछ इस टाइप से हो गई, ये सेल कनेक्ट इस टाइप से होना चाहिए था बट अपने से कुछ मिस्टेक होने से सेल अपन ने अपोजिट कनेक्ट कर दिया। तो बेटा कॉमन सी बात है कि ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई माइनस ई बोलना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ ई नेट आपके पास कितना हो जाएगा, E प्लस E, देन नेक्स्ट सेल का ईएमएफ E प्लस E, और लास्ट वाला आपने रॉन्ग कनेक्ट किया तो वो बेटा अपोजिट कनेक्ट होने की वजह से माइनस E हो गया। तो बेटा आपके पास E नेट तो कितना मिल जाएगा, 3E। बट अपने को दूसरी बात ये पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड होता है, स्केलर क्वांटिटी है, तो बेटा यहाँ पे अपने पास इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो बेटा मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा बेटा, सब सेल को ऐड कर दूंगा तो वो कितना मिल जाएगा, 5R। तो अपना करेक्ट ऑप्शन बेटा हो जाएगा 3E एंड 5R, थर्ड ऑप्शन बेटा अपना करेक्ट हो जाएगा। बेटा देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इन अ कैपेसिटिव सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। अपने को बेटा ऐसा बोलना चाह रहा है कि लाइक आपका कोई सर्किट गिवन है उसमें प्योर कैपेसिटर कनेक्ट है और इसके अलावा कुछ भी कनेक्ट नहीं है। अपने को बताया कि बेटा एक्ससी जो डिफाइन करता हूं वो मिलेगा बेटा 1/2 पाई F इंटू कैपिटल C कैपेसिटेंस ऑफ C। अब आपने बोला कि बेटा फ्रीक्वेंसी को अपन डबल करेंगे, तो कॉमन सी बात है कि बेटा फ्रीक्वेंसी को डबल करने से आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है बेटा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेटा क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा। आपने फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो बेटा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और बेटा करंट की बेटा बात करता हूँ तो करंट क्या हो जाएगा, सपोज आपके पास जो ये सोर्स मैंने यूज किया है उसके लिए वोल्टेज बेटा वी यूज कर लेता हूँ तो वी अपॉन बेटा यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वही इंपीडेंस के इक्वल होगा। और जब बेटा आपने फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो आपका एक्ससी हाफ हुआ, एक्ससी को हाफ किया तो करंट क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ बेटा ऑप्शन देखते हैं ऐसा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हाफ एंड करंट बिकम्स डबल, तो इट मीन आपका बेटा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देन सेकेंड स्टेटमेंट में बेटा आपको बोला गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डबल तो बात जस्ट अपोजिट हो गई। सेम थिंग बेटा करंट इज हाफ तो ये भी सही नहीं है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट बोथ आर हाफ, तो अपने बोला कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स हाफ बट करंट बिकम्स डबल तो ये गलत हो गई। सेम थिंग बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट बोथ आर डबल तो ये स्टेटमेंट में बेटा अपना रॉन्ग हो जाता है। देन बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। आपको बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी, तो बेटा पोटेंशियोमीटर वायर जब अपने यूज करते हैं तो उसके लिए बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका हाई होना चाहिए और आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है बेटा वो लो होना चाहिए। कैलकुलेशन यानी अपने जो पोटेंशियोमीटर बेसिकली बेटा यूज करते हैं अपन वोल्टेज करंट की वैल्यूज के मेजरमेंट के लिए, तो इसके लिए बेटा अपनी नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपका जो वायर यूज करने जा रहे हैं उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेटा अपना क्या होना चाहिए, हाई रहना चाहिए, और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या रहना चाहिए, लो रहना चाहिए। इट मीन बेटा अपना ऑप्शन बेटा यहाँ करेक्ट हो जाता है फर्स्ट। देन बेटा अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की। इस क्वेश्चन नंबर 4th में दो स्टेटमेंट बेटा गिवन है, फर्स्ट ए गिवन है दूसरा आर गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो मेंशन कर रखा है उसमें मेंशन कर रखा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी क्लोज लूप एज ए लाइन कैन नेवर स्टार्ट एंड एट द सेम चार्ज। तो अपने पता है कि बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करता हूँ, फील्ड लाइन की बात करता हूँ, तो रेस्ट चार्ज के लिए बेटा बात करते हैं तो फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज से बेटा हमेशा स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर बेटा आपकी लाइन एंड हो जाती है। इट मीन बेटा आपका इस कंडीशन में मैं यहाँ से इजी वे में बोल सकता हूँ कि क्लोज लूप का फॉर्मेशन तो नहीं होने वाला, इट मीन बेटा आपका जो ए गिवन है वो करेक्ट हो जाता है। सेम थिंग बेटा नेक्स्ट बोलता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी फील्ड लाइन ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन ए गिवन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कॉमन सी बात है कि बेटा जितना मैग्नीट्यूड वाइज अपन बात करते हैं चार्ज आपका वैल्यू ज़्यादा होगा उतनी वहाँ से फील्ड लाइन अपनी ज़्यादा मिल रही होगी। यदि बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज है तो उससे आउटगोइंग फील्ड लाइंस अपन ग्रेटर डिफाइन करेंगे, मैग्नीट्यूड यदि ज़्यादा है, और यदि नेगेटिव चार्ज बेटा अपन डिफाइन कर रखा है, इट मीन बेटा आपकी लाइन जो होगी वो टर्मिनेटिंग लाइन बेटा डिफाइन करता हूँ। तो जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज उतनी ही ज़्यादा अपने पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी। इट मीन स्टेटमेंट बेटा दोनों करेक्ट है, बट इन दोनों स्टेटमेंट को बेटा अपन लिंक करना चाहें तो अपन लिंक नहीं कर पाएंगे, यानी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे पाएंगे, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे तो बेटा अपना ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाता है। देन बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्ज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर एंड इट इज प्लेस इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन कैलकुलेट मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क बेटा अपन डिफाइन करते हैं टॉर्क इक्वल टू पी इंटू ई। अब यहाँ बेटा पी की बात करूंगा तो वो आपका इक्वल हो जाएगा बेटा क्यू इंटू इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बोल सकता हूँ। चार्ज आपको गिवन है कितना बेटा 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁶। लेंथ बेटा गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा बात करता हूँ तो वो गिवन है बेटा 1 × 10⁵। तो बेटा आप यहाँ से देख पाएंगे 2 × 10⁻³ बेटा न्यूटन मीटर के इक्वलेंट आपको क्या मिल जाएगा बेटा टॉर्क मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ से अपना ऑप्शन हो जाएगा 3 करेक्ट। देन बेटा नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रखा है आपको बेटा सुपर कंडक्टर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है और कर रखी है, और उसमें से ये चूज करना है कि विच प्रॉपर्टीज आर सो बाई सुपर कंडक्टर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बेटा बात करता हूँ, सुपर कंडक्टर के लिए बात करूंगा तो सुपर कंडक्टर आपके पास स्पेसिफिक टाइप के मटेरियल हैं जो परफेक्टली डाई मैग्नेटिज्म को शो करते हैं, या डाई मैग्नेटिक मटेरियल बेटा अपन इसको बोल सकता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी यही मेंशन कर रखी है कि सुपर कंडक्टर आपका परफेक्ट डाई मैग्नेटिज्म को शो करेगा। देन बेटा आपके सुपर कंडक्टर वो परफेक्ट कंडक्टिव मटेरियल भी होते हैं, परफेक्ट कंडक्टिविटी को भी शो करते हैं, सेकंड बात में ठीक है। तीसरी बेटा बात आपसे बोली गई है मैग्नेटिक लेविएशन की, तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल की बेटा बात करता हूँ, और अपने पहले ही ये बात स्पष्ट करती है कि आपका सुपर कंडक्टर वो परफेक्ट डाई मैग्नेटिक मटेरियल है। और डाई मैग्नेटिक मटेरियल की खास बात ये होती है कि जैसे ही इनको मैग्नेटिक फील्ड में अपन लेके जाएंगे तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड से आउटसाइड मूव करने की टेंडेंसी इनकी रहती है। इस टाइप से अपन बोल सकते हैं लाइक आपका बेटा ये मैग्नेटिक पोल मैंने डिफाइन किया, इन मैग्नेटिक पोल के बिटवीन किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को लेके जाएंगे तो इसकी बेटा टेंडेंसी क्या रहती है, उससे बाहर निकलने की टेंडेंसी होती है। तो इसका मीन बेटा ये बोल सकता हूँ कि आपका बेटा जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड में बेटा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो लेविएट करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। फोर्थ बेटा ये कह रहा है कि मेजनर इफेक्ट की बात करता है, तो सुपर कंडक्टर्स बेटा जो होते हैं सुपर कंडक्टिव मटेरियल से आपकी फील्ड लाइंस भी बेटा पास नहीं हो पाती है, इसलिए बेटा अपन इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, मेजनर इफेक्ट नाम देते हैं। तो कहने का सिंपल सा मीन है कि जो ये प्रॉपर्टीज मेंशन कर रखी है ऑल प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू सुपर कंडक्टर, इसलिए बेटा अपना जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। देन बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल बल्ब इन फिगर बिलो आर आइडेंटिकल, इस गिवन सर्किट अरेंजमेंट में जो बेटा बल्ब गिवन है वो आइडेंटिकल है, देन विच बल्ब ग्लो मोस्ट ब्राइटली। तो बेटा यहाँ अपने को बल्ब गिवन है, इन बल्ब से बेटा बात करता हूँ, सेल से मिलने वाली सप्लाई आपके पास कितनी बेटा आई है, इस बल्ब को भी बेटा सप्लाई मिल रही, इधर भी बेटा बात करता हूँ, तो इस बल्ब को करंट आई मिला, देन बेटा आपकी करंट बेटा डिवाइड हो जाएगी, और अगेन बेटा यहाँ से भी करंट आपको आई मिलेगी। सारे बल्ब बेटा ये देख पा रहा हूँ कि बल्ब वन, इसकी कॉम्बिनेशन की बेटा बात करता हूँ, देन बल्ब फाइव, ये सारे बेटा सीरीज में अरेंज है। तो सबसे पहले बेटा इनका कंपेयर करूंगा तो ये तो ही बात है कि अपन डिसाइड किससे बेटा बात कर रहे हैं, कंज्यूम पावर से। कंज्यूम पावर अपन देख पा रहे हैं कि फर्स्ट बल्ब के लिए बेटा कंज्यूम पावर एंड फिफ्थ बल्ब के लिए कंज्यूम पावर आपका क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। अब दूसरी बात अपने पास बेटा आइडेंटिकल है तो इनके रेजिस्टेंस तो सेम है, बट ये भी श्योर है कि करंट बेटा आई आया तो ये करंट बेटा अपने पास डिवाइड होगा, तो इनके अक्रॉस कंज्यूम पावर अपन कम डिफाइन कर पाएंगे। तो जो ग्लोनेस जो अपन डिफाइन करेंगे बेटा बल्ब वन और बल्ब फाइव के लिए वो अपने पास बेटा इक्वल भी होगी और मैक्सिमम भी होगी। इनके लिए बेटा कंपेयर कर पाएंगे तो अपन ये देख पाएंगे कि बेटा आपकी जो करंट फ्लो होगी वो करंट बेटा इस वाले में से ज़्यादा फ्लो होगी, तो इसकी ग्लोनेस बेटा अपन कंपेरेटिवली बात करूंगा, PC1 PC5 ज़्यादा है, इक्वल भी है, देन अपन क्या बोल देंगे बेटा PC2, देन बेटा अपन अगेन ये बोल सकते हैं PC3 और इक्वल होगा PC4। तो यहाँ से बेटा अपन क्या बोल पाएंगे, अपना फोर्थ ऑप्शन जो है वो बेटा करेक्ट हो जाएगा।
देन बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए. द वायर रोटेट अबाउट इट्स वन एंड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. एक्सिस ऑफ रोटेशन बींग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सेमी सर्कल. इन द रीजन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ऑल्सो बी एग्जिस्ट. देन कैलकुलेट इंड्यूज EMF. तो इंड्यूज EMF की बेटा बात करता हूँ. जब आप उस वायर को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो यहाँ इंड्यूज EMF बेटा डिफाइन करूंगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर. एल बेटा अपने पास दोनों एंड के बिटवीन इफेक्टिव डिस्टेंस को बेटा रिप्रेजेंट करेगा. तो ये इफेक्टिव डिस्टेंस बेटा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस. और रेडियस बेटा इसकी ए गिवन है. तो जैसे बेटा आप वैल्यू पुट आउट करेंगे तो 1/2 बी ओमेगा इंटू 2a स्क्वायर. तो यहाँ से बेटा अपने को क्या मिल जाएगा बी ओमेगा ए स्क्वायर और 2 स्क्वायर 4/2 करूँगा तो बेटा 2 रिमेनिंग रह जाएगा. तो 2b ओमेगा ए स्क्वायर अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. देन बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरी ए स्टेडी करंट आई. द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इट्स क्रॉस सेक्शन. देन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 2a/3 फ्रॉम एक्सिस. लाइक बेटा अपने को ये कोई सिलेंड्रिकल वायर गिवन है. इस वायर से बेटा जो करंट पास हो रही है वो आपकी कितनी है आई है. अब ये बोला गया है कि बेटा कंप्लीट वायर से यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बेटा बात करना चाह रहा है. और आपका बेटा ये जो बात कर रहा है जो पॉइंट गिवन है एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस वायर की ये कंसिडर कर लेता हूँ. यहाँ से बेटा पॉइंट सपोज यहाँ कहीं ले रखा है. कंप्लीट वायर के क्रॉस सेक्शन से बेटा बात करता हूँ या पाई ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से बेटा आपकी करंट पास हो रही है वो कितनी है आई है. तो बेटा यूनिट क्रॉस सेक्शन के रेस्पेक्ट में करंट कितनी हो जाएगी बेटा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर हो जाएगी. अपने को बेटा बात करनी है 2a/3 रेडियस के रेस्पेक्ट में. लाइक ये वाले बेटा अपन बात करते हैं इस वाले बेटा पोर्शन की बेटा बात करता हूं तो इसमें से जो आपकी करंट पास हो रही होगी वो अपनी बेटा कितनी हो जाएगी वो अपन कैलकुलेट करते हैं. तो वो अपने पास बेटा पाई इंटू 2a/3 का स्क्वायर. इस क्रॉस सेक्शन से जो आपकी करंट पास बेटा होगी वो कितनी कह सकता हूँ आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर करूँगा तो बेटा 4/9 ए स्क्वायर और पाई बेटा और आ जाएगा. तो फाइनली ये बोल सकता हूँ कि बेटा इस क्रॉस सेक्शन से जो करंट पास हो रही होगी वो 4/9 आई मिल जाएगा. करंट बेटा आपने कैलकुलेट कर लिया. तो बेटा अपन इजी वे में बता सकते हैं कि कोई वायर गिवन है उससे एक्स डिस्टेंस पे जो बेटा आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा बी इक्वल टू अपना कितना होगा बेटा म्यू नोट आई अपॉन 2π इंटू एक्स डिस्टेंस है तो एक्स बोल दूंगा ए गिवन है तो ए बोल दूंगा. लाइक एक्स कंसिडर कर लेते हैं. एक्स अपने पास बेटा कितना मिला अपने को 2a/3 मिला. रख देते हैं वैल्यू. म्यू नोट करंट कितना बेटा था 4i/9 था तो 4/9 आ जाएगा बेटा अपॉन 2π इंटू एक्स का वैल्यू बेटा कितना 2a/3. तो आप ये देख पाओगे बेटा यहाँ से 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट होगा. तो फाइनली बेटा करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 3π इंटू ए. तो अपना बेटा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड. देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं. टू सिमिलर सर्कुलर को एक्सियल लूप कैरी इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन. इफ द लूप आर ब्रॉड टू ईच अदर. लाइक इस टाइप से बेटा अपने को दो लूप गिवन. दोनों में बेटा दोनों की एक्सिस क्या बेटा कॉमन है यानी को एक्सियल एक्सिस बोलना चाह रहा है. नेक्स्ट आपको ये बोला कि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट बेटा फ्लो करूंगा. अब सेम डायरेक्शन बेटा करंट फ्लो करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि इस वाले कॉइल में इंड्यूज EMF की बेटा बात करता हूं तो इस वाले कॉइल के रेस्पेक्ट में बात करूंगा. तो इसका अपन मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लेंगे बेटा पास में ला रहा हूं तो उसमें EMF को इंक्रीज सॉरी जो इसमें आपका फ्लो होने वाला जो करंट है वो क्या करेगा बेटा उसका अपोज होगा. क्योंकि अपन पता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो आपका EMF जिस वजह से इंड्यूज हो रहा है उसी का अपोज होता है. तो पास में लाने का मतलब वो EMF बढ़ाना चाहेगा बट अकॉर्डिंग टू लेंज उसका अपोज होगा. तो इसमें सपोज पहले करंट आई पास हो रहा था तो अब करंट जो अपने पास इंड्यूज करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में बेटा पास होगा. तो अपने पास इस वाले लूप के लिए भी आपका बात करूं तो बेटा करंट आपका रिड्यूस करेगा. सेम थिंग बेटा अब इसमें अपने को कैलकुलेट करना है तो करंट तो बेटा इसका ले लेंगे और यहां मैग्नेटिक फील्ड बेटा जो है वो अपने को कंसिडर करना पड़ेगा ड्यू टू दिस कॉइल. इस कॉइल की वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड की बेटा बात कर रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं दोनों को पास में आ रहा हूं तो इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या हो रही है आपकी डिक्रीज हो रही है. डिस्टेंस डिक्रीज होने का मीन बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इंक्रीज होगा. और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का मीन
रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज होना चाह रहा है, बट अकॉर्डिंग टू लेंज क्या बोलेंगे बेटा, डिक्रीज। देन बेटा इसमें भी आपके करंट जो बेटा इंड्यूज होगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो पाएगी। ये इंड्यूस करंट को आईडीएस बेटा कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ भी अपन आईडीएस करंट कंसिडर कर लेते हैं। तो कहने का सिंपल सा मीन है कि इन दोनों ही कॉइल के लिए बेटा बात करूंगा तो आपका करंट बेटा जो है वो रिड्यूस करेगा, तो करंट विल डिक्रीज इन ईच लूप बेटा अपन बोल सकते हैं, अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन बेटा अपन नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज गिवन है उनको मैच करना है। एसी सर्किट के लिए बेटा कुछ फॉर्मूलाज गिवन है, सबसे पहले बेटा अपने वो गिवन है रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर जो बेटा अपन डिफाइन करते हैं, ओमेगा आर अपने पास बेटा 1/√LC होता है। तो ऐसा ऑप्शन बेटा अपन देख पा रहे हैं कि अपना जो ए है वो आर से मैच करेगा। देन बेटा सेकंड बात करता है क्वालिटी फैक्टर की बेटा बात करता है। तीसरा बेटा अपने को बैंडविड्थ दे रखा है। अब बेटा सबसे पहले मैंने मैच किया था रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो अपना ए जो मैच कर रहा है आर से, यह मैं देख पा रहा हूँ ऐसा ऑप्शन अपने को बेटा ए की दे रहा, ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब अपने को क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ की बेटा बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी फैक्टर अपने पास बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर क्यू की बेटा बात करता हूँ, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्किट के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं। लाइक अपने को एक्सएल सर्किट गिवन है तो मैं क्या कह दूंगा बेटा, सबसे पहले बेटा बात करता हूँ किसका, अपने पास एल और आर सर्किट का कॉम्बिनेशन है तो वहाँ एक्सएल अपॉन आर बताता हूँ। यदि मेरे पास आरसी सर्किट है तो उसके लिए क्वालिटी फैक्टर एक्ससी अपॉन आर हो जाएगा। यदि मेरे पास आरएलसी सीरीज सर्किट है तो उसके लिए बेटा एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर या एक्ससी माइनस एक्सएल अपॉन आर बता देंगे बेटा। इसलिए बेटा अपन करेक्ट ऑप्शन क्या डिफाइन करते हैं, थर्ड। देन बैंडविड्थ की बेटा बात करना चाहें तो रिमेनिंग जो ऑप्शन है वो बैंडविड्थ से मैच कर जाते हैं। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपको एक बेटा एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट की बेटा बात करता हूँ, आपको ये बोला गया है कि स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट सी इज एट 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी फ्रॉम ए एज शोन इन द सर्किट, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इज आर नॉट देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। अगेन बेटा इस क्वेश्चन में अपन बात करें तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी होता है, अपने को बेटा ये बोला गया है कि इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो सबसे पहला काम बेटा क्या रहेगा, बैटरी से सोर्स से मिलने वाला करंट बेटा कैलकुलेट करना। करंट कैलकुलेट करने से पहले अपने को इस सर्किट का बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सी होगा, तो बेटा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट सी जो है तो ए टू सी के लिए बेटा मैं इस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ इस वायर का, तो टोटल वायर का जो लेंथ गिवन है इसका ये 1/4 है। इट मीन बेटा अपने को पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आर नॉट है तो यहाँ ए टू सी के बिटवीन बेटा जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो बेटा कितना हो जाएगा, आर नॉट बाई 4 हो जाएगा। तो बेटा अपन यहाँ आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये आर नॉट बाई 4 और आर तो पैरेलल में, और रिमेनिंग बेटा रेजिस्टेंस कितना रह जाएगा आपका 3 R0/4 आपका और रह जाएगा। तो बेटा इन दोनों का जो पैरेलल सम है वो इक्वल होगा बेटा, सॉरी पैरेलल सम जो है प्लस 3 R0/4 आपका यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सबसे पहला काम बेटा अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, वो कितना होगा R0/4 इंटू आर डिवाइड बाई R0/4 प्लस आर, इसमें बेटा ऐड कर दूंगा मैं क्या 3 R0/4। इसको बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो बेटा रिमेनिंग क्या रहेगा आपका R0 अपॉन R0/4 प्लस 3 R0/4। ये एक स्टेप तो बेटा इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन यहाँ बात करते हैं, अगेन बेटा एलसीएम अपने को लेना पड़ेगा, तो ये एलसीएम बेटा यहाँ आ जाएगा 4 R0/4। अब बेटा एलसीएम लेने के बाद बेटा ये देख पा रहे हैं कि 4 R0 तो यहाँ आएगा प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 R0/2 प्लस 12 R0। तो बेटा अपने पास फाइनली अपन ऐसा बोल सकते हैं कि आर नॉट कॉमन लिया सपोज मैंने यहाँ से, तो ये 3 R0 प्लस ये बेटा 16 R रिमेनिंग रह जाएगा डिवाइड बाई 4 R0/4 R। तो बेटा ये आपने यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कैलकुलेट कर लिया। देन बेटा आपकी जो करंट मिलेगी आई अपने पास इक्वल हो जाएगा बेटा वी नॉट अपॉन आर इक्विवेलेंट बेटा बोल दूंगा, वी नॉट अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब नेक्स्ट बेटा बात करते हैं टोटल करंट जो है बेटा डिवाइड होगी, कुछ करंट इधर से पास होगी और कुछ करंट बेटा आपकी जो पास होगी, कुछ करंट तो बेटा यहाँ से पास होगी कुछ करंट यहाँ से पास होगी। तो इन दोनों में बेटा करंट डिवीजन रूल यूज करके बेटा टोटल करंट को डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो सपोज इधर से जो करंट पास हो रही है वो आपका कितना I2 है, तो I2 का जो बेटा वैल्यू मिलेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल करंट I
इंटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू बेटा आपका आर नॉट बाई फोर डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा बेटा आर प्लस आर नॉट बाई फोर हो जाएगा बेटा। ये आपने करंट कैलकुलेट कर लिया, उस करंट को बेटा जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे रेजिस्टेंस से, तो इसके अगर सपोज वोल्टेज ड्रॉप वी टू मिला वो आई टू इंटू आर बोल दूंगा बेटा। अब आई टू का वैल्यू बेटा आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, आई इंटू आर नॉट बाई फोर अपॉन आर प्लस आर नॉट बाई फोर। अपन यहाँ बेटा आई का वैल्यू जो अपन ने कैलकुलेट किया जैसे ही पुट आउट करता हूँ और कैलकुलेशन करने के बाद बेटा अपने पास रिजल्ट क्या मिलेगा, फोर वी नॉट आर अपॉन थ्री आर नॉट प्लस 16 आर। तो अपना बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बेटा अपने को मेंशन कर रखे हैं कुछ स्टेटमेंट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ससेबिलिटी और टेम्परेचर के बिटवीन बेटा ग्राफ दे रखा है। अपने को तीन टाइप के मटेरियल बेटा देखने होते हैं, एक आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, दूसरा आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है और तीसरा बेटा अपना होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल की बेटा बात करता हूँ तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के साथ उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता। और ससेबिलिटी जो होता है वो उस मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को बेटा रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा यहाँ सबसे पहली बात मैं करता हूँ, फर्स्ट ग्राफ में अपन बात कर पा रहे हैं कि आपकी जो मैग्नेटिक ससेबिलिटी बेटा जो है वो टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट है। इट मीन बेटा ये जो ग्राफ अपन रिप्रेजेंट करेंगे किसके लिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बेटा रिप्रेजेंट करेंगे। देन बेटा नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बेटा बात करता हूँ, सॉरी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए चलो बात अपन करते हैं। तो सेकंड ग्राफ बेटा जो है और थर्ड ग्राफ है वो देखने में सिमिलर तो है, बट अपने को ये पता है कि बेटा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो किसकी तरह बिहेव करता है, पैरामैग्नेटिक की तरह। इट मीन बेटा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से पहले अलग कंडीशन रहेगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए और उस टेम्परेचर के बाद अपनी कंडीशन सिमिलर हो जाएगी पैरामैग्नेटिक के लिए। इट मीन बेटा ये बात और ये बात सिमिलर है तो पक्का ये मैं बोल सकता हूँ कि बेटा ये बात पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए बोलेंगी, बट ये वाला रीजन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा तो ये आपका फेरोमैग्नेटिक को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो अपने ग्राफ है वो किसके लिए रिप्रेजेंट होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। इट मीन बेटा बी से अपना करेक्ट ऑप्शन आर मैच कर जाएगा और सी से बेटा आपका पी मैच कर जाएगा। देन बेटा अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बेटा अपने को एक सर्किट गिवन है, एक्स एंड वाई के बिटवीन आपको पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम बेटा क्या करता हूँ, मैं करंट कैलकुलेट करता हूँ कि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना होगा। उस करंट कैलकुलेट करने के लिए बेटा अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा, तो ये 1 और 1 बेटा मिलके कितना हो जाएगा 2, सिमिलरली 1.5 और 1 मिलके कितना हो गया बेटा 2.5। ये दोनों अपने पास जो बेटा ब्रांच है वो पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहाँ आर इक्विवेलेंट बेटा सबसे पहले कैलकुलेट करना है, वो कितना हो जाएगा अपना 2 × 2.5 डिवाइड बाई 2 + 2.5। तो बेटा आप इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास 5 मिल जाएगा और ये बेटा 4.5। तो यहाँ से बेटा अपन बोल सकता हूँ कि ये मिल जाएगा मुझे 10/9 ओम मिल जाएगा बेटा अपने को, ठीक है बात। देन बेटा नेक्स्ट अपन बात करते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया तो अगला काम अपना क्या रहेगा, करंट कैलकुलेट करना रहेगा। तो बैटरी से मिलने वाला करंट आई इक्वल टू 2 / R इक्विवेलेंट, उसका वैल्यू कितना बेटा 10/9 है, तो बेटा ये कितना मिल जाएगा अपने को 18/10 या 1.8 एम्पीयर अपने को बेटा मिल जाता है। अब बेटा अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है, तो इस टोटल करंट को बेटा डिवाइड करेंगे, टोटल करंट को बेटा डिवाइड करेंगे तो अपने को बेटा यहाँ अपन ये देखेंगे कि सपोज इस ब्रांच में करंट आपका आई वन गया और इस ब्रांच का करंट आई टू है, तो बेटा ये कह सकता हूँ आई वन जो होगा वो अपने पास टोटल करंट इंटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस की बेटा बात करता हूँ तो 2.5 है डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, वो कितना आ जाएगा बेटा 4.5। तो मैं देखूंगा ये कैंसिल आउट होने पे रिमेनिंग रहेगा अपना 2/5 इंटू 2.5। तो यहाँ से बेटा ये करंट मिल गया आपको 1 एम्पीयर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बेटा आपका जो आई टू करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा 1.8 - 1 बोले तो 0.8 एम्पीयर। अब बेटा करंट आपने कैलकुलेट कर लिया तो देन अपन बेटा एक्स वाई ब्रांच के बिटवीन केवीएल अप्लाई कर देते हैं, तो वी एक्स करंट के अपोजिट बेटा आप मूव कर रहे हैं तो ऐड करना पड़ेगा। तो इधर करंट बेटा आपकी फ्लो हो रही है आई वन कितना 1, तो 1 इंटू रेजिस्टेंस बेटा कितना 1 है, माइनस करना पड़ेगा बेटा करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो करंट कितनी 0.8 इंटू इस ब्रांच का रेजिस्टेंस बेटा कितना आपका 1.2 माइनस वी वाई इक्वल टू बेटा क्या मिल जाएगा 0। तो यहाँ से वी एक्स माइनस वी वाई बेटा क्या मिल जाएगा आपको ये 1.2 बनेगा बेटा अपने पास और ये 1 है, तो बेटा कितना रिमेनिंग माइनस 0.8
टू रिमेनिंग रहेगा, जैसे बेटा इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव पॉइंट टू अपने को बेटा मिल जाएगा, तो इसलिए अपना बेटा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देन बेटा अपन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है, इन अ सीरीज LCR सर्किट R इक्वल टू 200 ओम एंड द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेन सप्लाई इज 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली। ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट देन करंट लेग बिहाइंड द वोल्टेज बाई 30। यानी बेटा अपना R, L और C का बेटा कॉम्बिनेशन गिवन है। आपने इनिशियली बेटा क्या बोला, फर्स्ट कंडीशन में आपने कैपेसिटेंस को सर्किट से रिमूव किया, तो आपका जो करंट बेटा वो क्या कर रहा है, लेग कर रहा है एट 30 डिग्री एंगल। तो यहाँ से बेटा ये बोल सकता हूँ कि 10 5 या 10 30 जो बेटा इक्वल है आपका, 10 30 बेटा आपका इक्वल है किसके, XL अपॉन R के। सिमिलरली बेटा सेकंड कंडीशन में आपने बोला कि केवल कैपेसिटेंस को रिमूव किया तो इंडक्टर रिमेनिंग रहा, और इंडक्टर को बेटा रिमूव करेंगे तो आपका कैपेसिटर रिमूव हो जाएगा। तो 10 5 इक्वल टू बेटा 10 30 इक्वल टू बेटा आपका क्या जाएगा, XC अपॉन R। तो यहाँ से बेटा अपन देख पा रहे हैं कि आपका XL और XC बेटा कंपेरिजन से अपन ये बोल सकते हैं XL और XC बेटा इक्वल है, और जब RLC सीरीज सर्किट में XL और XC इक्वल है तो बेटा अपन ये बात बोल सकते हैं Z जो होगा वो तो बेटा इक्वल हो जाएगा आपका R के। और बेटा यहाँ पावर फैक्टर की बात करता हूँ तो पावर फैक्टर बेटा cos phi जो होगा आपका वो R/Z होता है। तो जब आपका XL और XC इक्वल है उस कंडीशन में Z इक्वल टू R है तो cos phi बेटा हो जाएगा 1। और जैसे ही बात बोलूँगा तो आपका जो पावर बेटा मिलता है आपको वो किसके इक्वल मिल जाएगा बेटा, V RMS IRMS cos phi बेटा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ से अपने को पता है कि इसको बेटा अपन क्या बोल सकते हैं, VRMS स्क्वायर अपॉन R बोल दूंगा बेटा। ठीक है, cos phi का वैल्यू 1 है ये, तो अपने पास बेटा यहाँ से वैल्यू आप देख पाओगे 220 × 220 डिवाइड बाई R, अपने पास बेटा कितना 200 गिवन है। जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बेटा 11 रिमेनिंग रहेगा, मल्टीप्लाई करने पे बेटा वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 242 वाट मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ गुरुकृपा करियर इंस्टीट्यूट। हियर आई एम विद द वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ जीनियस पेपर कोड नंबर Q। ओके, केमिस्ट्री पोर्शन का हम बेटा सॉल्यूशन देखेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पूछा हुआ है कि इन सब आयंस में से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, तो बेटा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इसका आंसर जो होगा बेटा आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। कैसे बेटा, मैंगनीज 2 प्लस जो है उसका जो कन्फिग्रेशन है बेटा वो होता है D5 कन्फिग्रेशन। ठीक है बेटा, और D5 का मतलब है आपके पास में एग्जैक्टली हाफ फील्ड जो है वो होगा आपका, एक सेकेंड, हाँ जी बेटा, तो जो D5 है उसके अंदर आपके पास में एग्जैक्टली हाफ फील्ड D सबशेल होता है। ठीक है बेटा, और ये सारे जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन से सारे अनपेयर्ड है, तो बेटा इसलिए इसके आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है, जो आपके पास बेटा इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जो आपके पास में मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा कितना, √n n+2, इट मीन्स √5 5+2 √35 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है बेटा, तो ये सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा इन सब में से, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे मैंगनीज 2 प्लस के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जो है वो डिजोल्व किया गया है 100 ग्राम दो डिफरेंट सॉल्वेंट्स में, ए और बी में, जिनका इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट जो है KB की जो वैल्यू है बेटा हमारे पास, जिनके KB की जो वैल्यूज है वो हमारे पास 1:5 रेशो में है। तो पूछा हुआ है कि हमारे पास जो एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका रेशियो क्या होगा बेटा। हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, आयटा इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इंटू मोलैलिटी। ओके, हमारे पास ये बेटा फॉर्मूला होता है। इससे हम सीधा सीधा इन्फर कर सकते हैं कि हमारे पास जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट के लिए।
तो बेटा अगर हमें दिया हुआ है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट ए और बी का, ठीक है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ ए एंड इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ बी, रेशो दिया हुआ बेटा 1/5, तो बेटा हमारे पास में जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब डेल्टा टी बी ऑफ ए डिवाइड बाय डेल्टा टी बी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/5, तो बेटा इसका रेशो भी हमारे पास में 1:5 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि आपका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है 0.6 ग्राम यूरिया को और 1.8 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml वाटर मिलाया है 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो पूछा हुआ है कि इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। बेटा हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन एंड आर टी, ये होता है बेटा। तो हमारे पास में जो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा इसका सॉल्यूशन का वो क्या होगा बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है बेटा। तो हमारे पास में हम सीधा सीधा इसको निकाल लेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया आर टी प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज आर टी, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज आर टी। तो बेटा जो हमारे पास कंसेंट्रेशन है वो मोलैरिटी में होगी, मोलैरिटी होती है बेटा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय द मास ऑफ योर सॉल्वेंट, ठीक है, जो सॉल्यूशन जो हमारे पास सॉल्वेंट दिया हुआ है ना उसका मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटा हमारे पास में सीधा सीधा हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया क्या हो जाएगी बेटा 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, 60 इसका बेटा हमारे पास में मोलर मास होता है इन टू 100 ml वाटर, हम लीटर में लेते हैं तो बेटा 0.1 लीटर, ठीक है, प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बेटा 1.8 डिवाइड बाय 180 इंटू 0.1, आर की वैल्यू बेटा हमें दी हुई है 0.08206 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, ठीक है बेटा, इंटू हमारे पास में टेम्परेचर की बेटा वैल्यू कितनी दी हुई है 27 डिग्री सेल्सियस, इट मींस 27 डिग्री सेल्सियस बेटा कितना होता है 300 केल्विन, ओके बेटा, ओके। तो हमें बेटा ये दिया हुआ है, हमने आर की वैल्यू रख दी और टेम्परेचर की वैल्यू रख दी। बेटा जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, बेटा तो हमारे पास पाई टी कितना आएगा बेटा, 4.92 atm, ठीक है, जो हमारे पास सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा वो आएगा 4.92 atm, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बेटा इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कॉन्सेंट्रेशन सेल है जिसके अंदर सेम रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है बोथ एनोड और कैथोड पे बट डिफरेंट कंसेंट्रेशन पे, EMF कैलकुलेट करना है बेटा सेल का जिसके अंदर 0.40 मोलर क्रोमियम 3 प्लस आयंस है एक कंपार्टमेंट में और 1 मोलर क्रोमियम 3 प्लस आयंस प्रेजेंट है अनदर कंपार्टमेंट में, और यहां पर बेटा क्रोमियम की ही हमारे पास इलेक्ट्रोड यूज करी गई है। तो बेटा जब हमारे पास क्रोमियम की ही इलेक्ट्रोड यूज करी गई है तो हमारे पास सीधा सीधा है बेटा ईनोड जो है, ईनोड ऑफ सेल जो है वो क्या हो गया बेटा 0, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास जो बेटा एनोड और कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, एनोड पे क्या होता है बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बेटा क्रोमियम जो है सॉलिड एनोड वो हमारे पास कहाँ जा रहा है बेटा, क्रोमियम प्लस 3 बन रहा है एक्वस में एनोड पर प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और बेटा जो कैथोड पर रिएक्शन है ये बेटा हमारी कहाँ की है, एनोड की है बेटा, और जो हमारे पास कैथोड पर रिएक्शन हो रही है बेटा वो है रिडक्शन, ठीक है, क्रोमियम प्लस 3 एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्रोमियम सॉलिड, ठीक है बेटा, किसमें, कैथोड पर। तो बेटा जो हमारे पास ओवरऑल सेल रिएक्शन आएगी, ओवरऑल जो आएगी बेटा वो आएगी हमारे पास क्रोमियम सॉलिड प्लस क्रोमियम प्लस 3 एक्वस एट कैथोड gives chromium plus 3 aqueous at anode
प्लस क्रोमियम सॉलिड। बेटा ये हमारे पास में ओवरऑल रिएक्शन आएगी। तो बेटा जब हम हमारे पास में ये तो प्रोडक्ट हो गया एनोड का क्रोमियम 3+, और जो हमारे पास में रिएक्टेंट था वो था बेटा हमारे पास में क्रोमियम 3+ एड कैथोड, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा इसी में ही हम कि हम अब हम हमारा जो नर्स इक्वेशन है वो यूज करेंगे बेटा। ई सेल इज इक्वल्स टू एनोड सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ क्रोमियम प्लस 3 एकोसॉल कहाँ के बेटा एनोड के, ठीक है। इनकी बेटा हमारे पास में क्या दी हुई है कंसंट्रेशन और क्रोमियम प्लस 3 कैथोड के, ठीक है बेटा इनकी कंसंट्रेशन। हमारे पास एनोड सेल क्या हो गया बेटा 0 हो गया ये तो, ठीक है। तो हमें ई सेल तो फाइंड आउट करना है, ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड आउट करना है। अब बेटा हमारे पास में जो वैल्यू आई है माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए थे बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस कर रहे थे 3 बेटा लोग। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास एनोड बाय कैथोड है, हमें यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू दिख रही है, तो हमारे पास बेटा लोग की भी अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तभी हमारा सेल फंक्शन करेगा, ठीक है। अगर ये लोग की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो ई सेल हमारा नेगेटिव में आएगा, जो कि सही नहीं है, जो फिजिबल नहीं है। ई सेल को वर्क करने के लिए, सेल को वर्क करने के लिए हमारे पास ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए बेटा। तो अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो हमारे पास लॉग में भी नेगेटिव आना चाहिए। तो बेटा इसलिए हम क्या करेंगे एनोड वाली कंसंट्रेशन में ऊपर क्या रखेंगे 0.040 है ना, 0.04 डिवाइड बाय 1 मोलर, ठीक है 1 मोलर। बेटा जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा हमारे पास में बेटा आंसर आएगा 0.028 वोल्ट, ठीक है बेटा। आपके पास ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है टाइटेनियम COM और इसके ऊपर बेटा पूरे के ऊपर चार्ज किया बेटा माइनस एन। तो पूछा हुआ है कि ये अगर EN रूल को फॉलो करता है, ठीक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता है और ऑक्टाहेड्रल शेप है, ठीक है, तो फिर वैल्यू क्या होगी बेटा M और N की। बेटा अगर ऑक्टाहेड्रल शेप हुई तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हो जाएंगे सीधे सीधे 6, ठीक है। तो M तो बेटा आपके पास आ गया 6। अब अगर ये EN रूल को फॉलो करता है तो बेटा हमारे पास कोबाल्ट जो था वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो हमारे पास EN रूल क्या कहता है कि आपके पास जो टाइटेनियम है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, क्या एटॉमिक नंबर है 22, तो हमारे पास 22 प्लस N प्लस कोबाल्ट कितने 6 बेटा, दो इलेक्ट्रॉन ईच, तो 2 × 6 इक्वल्स टू 36 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू EN रूल। तो बेटा हमारे पास N की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी 2, ठीक है बेटा। तो N 2 है और M कितना है 6 है बेटा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर जो 4th है ना, स्टेटमेंट नंबर 4th वो एकदम करेक्ट है। कैसे बेटा, जब आपके पास कोबाल्ट प्लस 3 है COF6 3- में, इसमें आपके पास बेटा कोबाल्ट प्लस 3 है और जो फ्लोरीन है बेटा वो वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। और यहाँ पर कोबाल्ट प्लस 3 की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी बेटा D6, तो हमारे पास जो D6 है वो ऐसे बनेगा बेटा और इसके अंदर जो फ्लोरीन है वो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा इलेक्ट्रॉन्स की, तो बेटा हमारे पास डी ऑर्बिटल फ्री नहीं हुए, तो सीधा सीधा से हमारे पास में ये क्या बनेगा बेटा SP3D2 कॉम्प्लेक्स बनेगा, इट मीन्स ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा। वहीं अगर मैं कोबाल्ट NH3+ की बेटा बात करूं तो यहां पर भी मेरे पास में कोबाल्ट प्लस 3 में D6 ही कॉन्फ़िगरेशन है, बट बेटा मेरे पास यहां पर NH3 जो है वो कैसे वर्क करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा बेटा। तो मेरे पास में जो D6 बनेगा बेटा उसके अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर अप हो जाएंगे बेटा ऐसे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 2D के फ्री हो गए, इसलिए बेटा यहाँ पे मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा D2SP3, ठीक है बेटा। तो मेरे पास ये क्या हुआ, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 4th एकदम करेक्ट है। इसलिए बेटा यहाँ पे मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी D2S, ठीक है बेटा। तो मेरे पास ये क्या हुआ, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स
ऑप्शन नंबर फोर्थ एकदम करेक्ट है। बस जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी D2S और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बस जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी D2S बस जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी D2S बस जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी
नमस्कार साथियों, आज हम जीनियस फेज टू 12th क्लास का मेंटल एबिलिटी का पेपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस नंबर सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग सोन बाय क्वेश्चन मार्क, मतलब नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और नंबर सीरीज में पता करना है कि नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है ये क्या आएगा। तो इसमें देखो लॉजिक का हम पता करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीरीज क्या है, 5, 16, 51, 158 क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि सीरीज असेंडिंग है या डिसेंडिंग। जब भी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है तो वहाँ या तो मल्टीप्लाई का लॉजिक लगता है या डिफरेंस का लॉजिक लगता है। तो यहाँ पर आसानी से पता लग रहा है कि मल्टीप्लाई का लॉजिक लग रहा है। क्या लॉजिक है इसमें देखो, 5 3 15 + 1, 6 3 48 + 3। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इंटू 3 हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे इंटू 3 + 3, 3 से मल्टीप्लाई किया +1, 3 से मल्टीप्लाई किया +3, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ओड नंबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या आएगा, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे आप, 8 3 = 24, 474 + 7, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 481। किस ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। पैटर्न समझ में आपके आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा आप, क्या लिखा हुआ है, 11 29 55 क्वेश्चन मार्क 131। इसमें है स्क्वायर का लॉजिक नजर आ रहा है। देखो क्या लॉजिक है, 3 का स्क्वायर + 2, यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर + 4, आगे देखिए 7 का स्क्वायर 49 + 6। तो आपके पैटर्न समझ में आया होगा, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यहाँ किसका स्क्वायर आएगा, 9 का स्क्वायर + क्या आएगा। देखो इवन नंबर प्लस हो रहे हैं, +2 + 4 + 6, तो यहाँ पर आएगा +8। लास्ट में क्या बनेगा, देखो 11 का स्क्वायर + 10 बनेगा। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 + 8, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और +8 करेंगे तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, 89। 89 किस ऑप्शन में है, 89 थर्ड ऑप्शन में है, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये डायरेक्शन डिस्टेंस से पूछा गया क्वेश्चन है। विक्रम स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट आर एंड वॉक्ड स्टेट 7 किलोमीटर वेस्ट। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से विक्रम वेस्ट डायरेक्शन में 7 किलोमीटर गया, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेगा। लेफ्ट टर्न का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट टर्न लेगा वो और 2 किलोमीटर चलेगा। नेक्स्ट देखिए, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक स्टेट 4 किलोमीटर, वापस ही लेफ्ट मुड़ा है 4 किलोमीटर, यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, यहां तक आ गया है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम आर, आर के रेस्पेक्ट में, मतलब आर से इसने चलना स्टार्ट किया था, ये इसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन है और ये इसकी फाइनल डायरेक्शन है। आपको पूछा गया है आर के रेस्पेक्ट में उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या है, मतलब ये डायरेक्शन आपको बतानी है। तो बताओ ये डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन को बड़े ही आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे की तरफ क्या होता है, नॉर्थ साउथ होता है और इस तरफ क्या होता है, वेस्ट होता है। तो ये जो डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं ये कौन सी डायरेक्शन को शो कर रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो किस ऑप्शन में है, साउथ वेस्ट सेकेंड ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन कोडिंग डीकोडिंग से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सैटर्न इज रिटन एज JVQXWW। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख के देख लेंगे। आगे यूरेनस इज रिटन एज OYZEN Y, हाउ इज
यूटर रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम इसमें लॉजिक का पता करते हैं। तो कैसे लॉजिक का पता करते हैं, देखो मैंने लिखा सेटन, एस ए टी यू आर एन, सेटन, और उसके नीचे आप लिख लो जे वी क्यों एक्स डब्लू डब्लू। अब देखो इसमें लॉजिक का हम पता करते हैं, इसकी पोजीशन क्या होती है, 19, 1, 20, 21, ये हो गया 18, ये हो गया 14, जे होता है 10, 22, 17, 24, 23, 23। अब इसमें हम पैटर्न का पता करते हैं, देखो पैटर्न का क्या पैटर्न लग रहा है इसमें, ये 19, ये 23 है, तो क्या हो रहा है इसके साथ, 19 से 23, इसका मतलब क्या है, 19 से 23 ये क्या हो गया, प्लस 4 हो गया। तो यहां पर किसका लॉजिक लग रहा है, प्लस 4। इधर देखिए ए फिर 23, मतलब ए से बैक आ रहा है, ए से 1 माइनस करेंगे तो जेड, फिर 1 माइनस करेंगे तो वाई, फिर 1 माइनस करेंगे तो एक्स, फिर 1 माइनस करेंगे तो डब्लू। तो यहां पर क्या बन रहा है, माइनस 4 बन रहा है। आगे देखिए 20 से 24, तो ये वापस प्लस 4 बन गया। ये देखो 21 से 17 माइनस 4 बन गया, 18 से 22 प्लस 4 बन गया, और 14 से 10 माइनस 4 बन गया। तो आपको पैटर्न का पता लग गया होगा, इसमें क्या पैटर्न है, फर्स्ट और लास्ट में रिलेशन बनेगा प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4, सेम ऐसा ही रिलेशन इसमें है, सेम रिलेशन किसमें, यूरेनस में। यूरेनस से भी जब आप ये बनाओगे तो यहाँ पर भी यही रिलेशन बनेगा। लास्ट फर्स्ट और लास्ट में क्या रिलेशन जाएगा, देखो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर 21 है और ये क्या है 25। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, 21 से 25 प्लस 4 हो रहा है। तो इसी तरीके से प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 ये पैटर्न चलता रहेगा। अब हमें पूछा क्या है, हम इसके ऊपर आ जाते हैं, हमें किसका पूछा है, जे यू आई टी ई आर, जे यू आई टी ई आर का हमें कोड बताना है। तो बहुत आसान हो गया, अब तो ये जे 10 21 9 20 5 18। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले यहाँ लास्ट में आने पर प्लस 4 करना होगा। तो प्लस 4 किया हमने, 10 प्लस 4 कितना आ गया, 14 आ गया। इधर ध्यान देंगे, फिर माइनस 4 करेंगे, 21 में से माइनस 4 किया 17, फिर वापस प्लस 4 करेंगे, 9 प्लस 4 13, फिर माइनस 4 करेंगे, 20 माइनस 4 16, फिर प्लस 4 करेंगे, 5 प्लस 4 9, और फिर माइनस 4 करेंगे तो 18 माइनस 4 14। तो आप ध्यान से देखेंगे 14 पे क्या होता है, n i, 16 पे होता है p, फिर m, फिर q और फिर n, तो n i p m q n, n i p m q n, तो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज केक्स रिटन एज एन ए डी वाई बी, सिल्वर इज रिटन एज एल जेड आर आई जी आर, हाउ इज वॉटर रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसका लॉजिक पता करते हैं हम। सबसे पहले मैंने लिखा सी ए जी ई एस, और इसको लिखा गया है क्या एन ए, इसके नीचे लिख लो आप एन ए डी वाई बी। अब इसका देखो लॉजिक कैसे पता करेंगे, इनकी नंबरिंग कर लो आप, 3 1 7 5 19, ये हो गया 14 1 4 25 और 2। अब देखो इसमें लॉजिक का पता कैसे लग रहा है, फर्स्ट और लास्ट में क्या रिलेशन है, देखो 3 से 2 आया, 3 से 2 का मतलब क्या है, माइनस 1 हो गया, फिर 1 से 25 बैक आ रहा है तो ये माइनस 2 हो गया, 5 से, फिर देखो 7 से 4 7 से 4 तो क्या हो गया माइनस 3, 5 से 1 माइनस 4 और 19 से 14 माइनस 5। तो पैटर्न आपके समझ में आया होगा, क्या पैटर्न है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, सेम ऐसा ही पैटर्न इसके साथ लगेगा, सिल्वर के साथ लगेगा। जैसे ही आप इसको
लास्ट और फर्स्ट के साथ रिलेशन बनाओगे तो सेम ऐसा का ऐसा पैटर्न इसमें देखने को मिलेगा। इसको भी आप चेक करके देख सकते हैं, सेम ऐसा ही पैटर्न आएगा। तो हमें क्या पूछा गया उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। हमें क्या पूछा है बताओ, वोटर। तो वोटर को हम ऊपर लिखेंगे और वोटर का कोड हमें पूछा गया है। तो पहले वोटर की नंबरिंग करेंगे हम, 23, 1, 20, 5 और 18। तो सबसे पहले देखो -1 होगा, तो 23 - 1 = 22। फिर -2 होगा, -2 करेंगे आप तो 1 में से -2 करने का मतलब क्या है, 1 माइनस किया तो जेड आ गया, फिर 1 माइनस किया तो वाई, वाई का मतलब 25। उसके बाद 20 - 2 हो गया, -3 करेंगे, 20 - 3 = 17। उसके बाद -4 करेंगे तो 5 - 4 = 1, और उसके बाद -5 करेंगे तो 18 - 5 क्या होता है, 13। और इनके अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, 13 पे क्या होता है, m होता है, 1 पे a, m, a क्यों, y, और 22 पे क्या होता है, v, तो m, a, q, y, v, कौन सा ऑप्शन है देखो, m, a, क्यों, y, v, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी ट्रेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। हमें इसमें ट्रेंगल फाइंड आउट करना है, तो ट्रेंगल आसान है देखो इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहे हैं, और ये एक और हो गया 6, और एक ये उल्टा वाला, तो 5 आपको साफ साफ दिख रहे थे, दो इसमें एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो 7 ट्रेंगल इसमें से है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द फॉलोइंग फिगर देर इज ए क्वेश्चन फिगर विच इज एम्बेडेड इन वन ऑफ दिस आंसर फिगर, ट्रेस आउट द करेक्ट फिगर। इसका मतलब यह है कि ये जो क्वेश्चन वाला फिगर है इन चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब छिपा हुआ है, हिडन है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसा किस में दिख रहा है, देखो ध्यान से आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे ये सेम फिगर आपको नजर आएगा। सबसे पहले हमारे पास में ऐसा ट्रेंगल होना कंपल्सरी है, तो ये देखो इसमें ट्रेंगल नजर आ रहा है, ये रहा ट्रेंगल, और ट्रेंगल के साथ में इसमें एक लाइन है छोटी सी, ये लाइन इसके अंदर है, ये हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसा का ऐसा ट्रेंगल देखो किस में नजर आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। मतलब इसमें हिडन फिगर को आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये मैथमेटिकल लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, 20 * 3 = 180, मतलब इन दोनों के कैलकुलेशन से हमें 180 लेके आना है। तो क्या करेंगे हम, देखो इसका लॉजिक क्या है, 20 * 3 = 60 होता है, और 180 चाहिए तो हमें 3 से और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 180। इसमें नजर डालते हैं, देखो हमें पता है 4 × 5 = 20 होता है, और लास्ट में जो 5 आ रहा है इससे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना हो गया, 5 × 4 = 20, 25 = 100। अब हम आंसर फिगर में आते हैं, आंसर फिगर क्या कहता है, 7 × 7 तो रहेगा ही रहेगा, हम इस 7 से इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 7 आ गया, मतलब 7 का क्यूब बन गया, और 7 का क्यूब होता है 343। किस ऑप्शन में है, थर्ड, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो कोई स्क्वायर फाइंड आउट करने का क्या मेथड होता है, सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, वर्टिकल काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, फिर इसका सीधा सा मेथड होता है, हाईएस्ट नंबर क्या है 3, और यहां पर भी हाईएस्ट क्या है 3, तो 3 × 3, फिर 1 सबट्रैक्ट करते जाएंगे, देखो 3 × 3, फिर क्या करेंगे हम एक एक कम कर दो इसमें से, 2 × 2, फिर एक एक और सबट्रैक्ट कर दो 1 × 1, और यही टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे, तो क्या आएगा यहां पर, 9 + 4 = 13 + 1 = 14, तो 14 इज द राइट आंसर। तो 14 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों,
हाउ मेनी क्यूब्स आर लेड ऑन ए प्लेन एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर. इसमें क्यूब फाउंड आउट करना है. तो जब भी क्यूब वाला क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करते हैं, तो क्यूब में हम क्या करते हैं, पता करते हैं कितने क्यूब फर्स्ट लेयर पे है, कितने सेकंड पे है, कितने थर्ड पे है. तो आपको कितने क्यूब दिख रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये 6 क्यूब तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं. तो ये 6 क्यूब तो कहाँ पर है, ये फर्स्ट लेयर के ऊपर ही है. तो फर्स्ट लेयर पर कितने क्यूब है, 6 क्यूब है. अब दूसरी लेयर पर देखो कितने दिख रहे हैं, ये देखो 1, 2, 3. इसका मतलब 3 क्यूब है वो सेकेंड लेयर के ऊपर है. और लास्ट में फाइनल जो थर्ड लेयर है उसमें कितने क्यूब है, एक ही क्यूब है. तो एक क्यूब थर्ड लेयर पे हो गया. तो फर्स्ट लेयर पे 6 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सेकेंड लेयर पे 1, 2, 1, इसके नीचे 3. और फाइनली जो लास्ट बिल्डिंग है उस पर एक ही क्यूब है. तो इनको ऐड करेंगे, 6 + 3 9 + 1 10. तो टोटल 10 क्यूब्स होंगे. क्यूब कितने, 10. तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड एट 12:20. मतलब हमें एंगल बताना है. देखो जब भी हमें एंगल पूछा जाता है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, तो इसका एक फॉर्मूला होता है. जो थीटा है, एंगल निकालने का फॉर्मूला यह है 60h. ये आप सीधा भी फाइंड आउट कर सकते हैं. (30h - 11/2m). और इसका हमेशा मॉडुलस लिया जाता है क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है. h का मतलब होता है आवर पार्ट. यहाँ पर h की वैल्यू आवर पार्ट कितना है, 12 है. m का मतलब मिनट पार्ट होता है, ये कितना है, 20 है. तो वैल्यू पुट कर दो आप इसकी, 30h की वैल्यू कितनी है, 12 - 11/2. m कितना है यहाँ पर, 20. यहाँ पर तो पहले से ही पॉजिटिव बन रहा है. तो इसको सोल्व करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे. तो ये आ गया 360 - 10 times, और ये कितना आ गया, 110. तो 360 में से 110 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 250 डिग्री आ जाएगा. तो एंगल कितना आएगा, 250. किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, विच डे फॉल्स ऑन 5 सितंबर 1992. इसका हमें डे फाइंड आउट करना है. तो डे फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन में हम कैलेंडर के फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसमें कोड यूज होते हैं. देखो डे का फॉर्मूला क्या होता है, डे निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं डेट. डेट कितनी है, 5. उसके बाद हम लिखते हैं मंथ कोड. और मंथ कौन सा, यहाँ पर सितंबर. मंथ कोड देखो 12 होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो यहाँ पर हमें सितंबर का कोड डिसाइड करना है. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो यहाँ पर कोड क्या काम में लिया जाएगा, 6. फिर हम लिखते हैं लास्ट टू डिजिट ऑफ ईयर. ईयर का लास्ट टू डिजिट लिखा जाता है. लास्ट टू डिजिट क्या, 92. उसके बाद हम लिखते हैं लीप ईयर कितने. लीप ईयर का मतलब होता है लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे. लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड करके हम क्वोशेंट लिखेंगे. तो 92 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, कितना क्वोशेंट आएगा, 23. 23 × 4 = 92. तो यहाँ पर क्वोशेंट कितना है, 23. तो यहाँ पर लीप ईयर कितने आ गए, 23 आ गए प्लस. और फाइनल जो टर्म लिखा जाता है वो होता है सेंचुरी कोड. सेंचुरी कोड ये होते हैं 0, 2, 4, 6. ये कैसे लिखे जाते हैं, किसी भी सेंचुरी को, ये सेंचुरी क्या होगी, देखो 19 लास्ट में डबल जीरो करने से सेंचुरी बनती है. तो सेंचुरी को हम 400 से डिवाइड करेंगे. 400 से डिवाइड करेंगे हम, 400, 800, 1200, 1600. रिमाइंडर कितना बच गया, 300. अगर रिमाइंडर 300 बचता है तो हम कोड लेंगे 0. 200 बचता है तो 2. 100 बचता है तो 4. और 0 बचता है तो 6. तो यहाँ पर हम देखो इसको 400 से डिवाइड करेंगे 1900 को. तो यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 300. और 300 रिमाइंडर अगर बचे तो वहाँ पर कोड हम लेंगे 0. तो इसका सेंचुरी कोड होगा 0. और फिर फाइनली इस पूरे को 7 से डिवाइड कर देते हैं. और 7 से डिवाइड करने के बाद फिर फाइनल रिमाइंडर देखते हैं. फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, देखो 7 से डिवाइड करो, यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1. 7 × 3 = 21. यहाँ 2 बच रहा है, सबको ऐड कर दो आप, 5 + 6 = 11, 12, 14.
और 7 से ये डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर आर का मतलब यहाँ क्वेश्चन नहीं, रिमाइंडर, तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0। और जब 0 रिमाइंडर बचता है तो ध्यान रखना वो डे हमेशा क्या होता है, सैटरडे होता है। 0 रिमाइंडर बचेगा तो डे कौन सा होगा, सैटरडे। याद रखना अगर रिमाइंडर एक आता तो हम मानते संडे, अगर रिमाइंडर 2 आता तो हम मानते मंडे, रिमाइंडर 3 आता तो ट्यूसडे, रिमाइंडर 4 आता तो वेनसडे, 5 आता तो थर्सडे, रिमाइंडर 6 आता तो फ्राइडे, और रिमाइंडर 0 आता तो हम सैटरडे लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ फाइनल रिमाइंडर 0 आ रहा है, और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम उस डे को मानेंगे सैटरडे। तो सैटरडे कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, इट वॉज संडे ऑन 1 जनवरी 2006, देन वॉट वॉज द डे ऑन 1 जनवरी 2007। ये भी कैलेंडर का छोटा सा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, 1 जनवरी 2006 क्या दे रखा है हमें, संडे दे रखा है, हमें क्या पूछा है 1 जनवरी 2007 का डे पूछा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो यहाँ पर डेट और मंथ सेम होते हैं, कई बार यहाँ डेट 1 है मंथ जनवरी, डेट 1 मंथ जनवरी, जब डेट और मंथ सेम होते हैं तो हम सिर्फ इतना ही पता करते हैं कि फरवरी लीप ईयर में आ रही है या नॉर्मल ईयर में, या फरवरी किस में आएगी। देखो जनवरी से स्टार्ट हो रहा तो जनवरी फरवरी 2006, इसका मतलब फरवरी किस में आएगी 2006, और 2006 तो कौन सा ईयर है, ये तो नॉर्मल या ऑर्डनरी ईयर है। याद रखना अगर फरवरी नॉर्मल ईयर में आती है तो हम 1 डे प्लस करेंगे, और फरवरी लीप ईयर में आती है तो हम 2 डे प्लस करेंगे। तो याद रखना यहाँ फरवरी नॉर्मल ईयर में आ रही है तो यहाँ हम 2000 से 2006 से 2007 में जब जाएंगे तो ओनली प्लस 1 होगा, तो संडे प्लस 1, तो 1 जनवरी 2007 1 जनवरी 2007 को क्या आ जाएगा, संडे प्लस 1 कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। तो मंडे इज द राइट आंसर, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट इज द, ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये ब्लड रिलेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए लेडी टेल्स टू शक्ति, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल, हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू शक्ति'स फादर। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए लेडी टेल्स टू शक्ति, आई वर्ड किसके लिए आया है, क्योंकि लेडी बता रही है तो लेडी, ये आई जो वर्ड आया है वो लेडी के लिए यूज हुआ है। आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, दिस लेडी का मतलब जो फोटो है, ये फोटो की लेडी की बात हो रही है, तो ये वर्ड फोटो लेडी के लिए यूज हुआ है, मतलब फोटो लेडी। एंड हर सन, हर सन मतलब किसके सन की बात हो रही है, मतलब आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन, हर सन का मतलब ये फोटो वाली लेडी की बात यहाँ हो रही है, मतलब फोटो वाली लेडी का जो सन है इज योवर मैटरनल अंकल, योवर का मतलब शक्ति, या योवर जो वर्ड आया है वो शक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब इसका हम फैमिली चार्ट बनाते हैं, देखो फैमिली चार्ट कैसे बनेगा, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, तो दिस लेडी का मतलब पहले फोटो लेडी है, ये फोटो है, ये लेडी है, तो फोटो लेडी का सन, फोटो देखो आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, तो दिस लेडी की ओनली डॉटर ये रही, दिस लेडी मतलब फोटो वाले की डॉटर, यही कौन है, लेडी है। आगे देखिए, एंड हर सन, हर सन का मतलब फोटो वाले का सन, तो ये फोटो है, इसका ये हो गया सन, और फोटो वाले का सन है इज योर मैटरनल अंकल, मतलब ये शक्ति का मैटरनल अंकल, ये शक्ति का मामा है, तो शक्ति कौन होगा, ये शक्ति का मामा है, तो शक्ति यहां पर आएगा नीचे, तो शक्ति कौन होगा, इस लेडी का सन होगा। अब हमें क्या पूछा है, हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू शक्ति'स फादर, ये देखो शक्ति, शक्ति का फादर कौन होगा, इस लेडी का हस्बैंड, तो ये हो गया शक्ति'स फादर, ये कौन है, शक्ति'स फादर, ये शक्ति'स फादर है, ऐसा का मतलब शक्ति'स फादर है। तो हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू शक्ति'स फादर, मतलब शक्ति'स का जो फादर, शक्ति का जो फादर है, इससे स्पीकर कौन है, यहाँ पर लेडी, लेडी तो कह रही है, तो ये शक्ति का फादर इस लेडी से क्या
रिलेशन रखता है, ये शक्ति का जो फादर है वो इस लेडी से क्या रिलेशन है उसका, मतलब हाउ इज द स्पीकर, मतलब लेडी इसकी क्या लगी, वाइफ, तो वाइफ सेकंड ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, व्हेन डिड द मिनट हैंड एंड आवर हैंड मेक्स 180 डिग्री एंगल बिटवीन 6 to 7 o'clock, मतलब 6 और 7 बजे के बीच में जो दोनों हैंड है वो कौन सा वो टाइम होगा कि वो क्या बनाएगी, 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। 180 डिग्री का मतलब ये होता है कि दोनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का मतलब दोनों अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट मीन्स 0 डिग्री बोले तो दोनों क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, अगर 0 डिग्री बोले तो दोनों ओवरलैप करेगी, 180 डिग्री बोले तो दोनों हैंड अपोजिट हो जाएगी, 90 डिग्री बोले राइट एंगल बोले तो दोनों हैंड ऐसे हो जाएगी। तो हमें पूछा है कि 180 डिग्री एंगल कब बनाएगी, मतलब ये केस है, तो 180 डिग्री में थीटा क्या लेते हैं हम। टाइम पूछा जाता है, जब भी आपको टाइम पूछा जाए तो टाइम का कंसेप्ट होता है 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। प्लस माइनस साइन इसलिए यूज करते हैं कि एक साइन हम यूज करेंगे उससे हमारा आंसर वैलिड आएगा, वैलिड का मतलब होता है टाइम इस इंटरवल के अंदर लाई करना चाहिए, 6 और 7 के बीच का मतलब है 60 मिनट से टाइम ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम माइनस साइन यूज करते हैं, देखो टेकिंग माइनस साइन, तो 2/11 30h की वैल्यू क्या लेते हैं, h हमेशा स्मॉल इंटीजर पार्ट लेते हैं, h क्या है 6 और 7 के बीच में पूछा है, तो यहाँ एच की वैल्यू हमेशा स्मॉल वाला पार्ट 6 लिया जाएगा, तो एच की वैल्यू यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर माइनस साइन यूज कर रहा हूँ पहले मैं, थीटा कितना है 180, इसका मतलब क्या हुआ 2/11, ये तो 180 माइनस 180 जीरो बन गया, इसका मतलब ये तो 0 मिनट आ गया, 0 मिनट का मतलब ये हुआ कि 6 और 7 बजे के बीच पूछा है तो ये तो 6 बजे हो गया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0 मिनट का मतलब होता है 6 और 7 बजे के बीच में 6 बजे, 6 o'clock, तो 6 बजे 6 o'clock क्या होगा, दोनों 180 डिग्री एंगल बनाएगी। अगर आप पॉजिटिव साइन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो जब आप यहाँ पर प्लस साइन लोगे तो प्लस साइन लेने पर 180 कितना हो जाएगा 360 का डबल क्या हो जाएगा 720, और फिर 11 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, देखो 11 6 जा 66, और फिर 66 6, तो ये 65 point something, मतलब ये तो इंटरवल से भी क्या चला गया बाहर, तो ये टाइम क्या वैलिड नहीं होगा, इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 0 मिनट का मतलब होता है 6 और 7 के बीच में, इसका मतलब 6 o'clock ओनली 6 बजे क्या होगा, दोनों हैंड है वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ बेटे फेज 2 जीनियस के क्यू कोड, ठीक है, जो हमारा अभी हुआ है क्यू कोड का बॉटनी सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रही हूँ बेटे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 64 मेल गैमेट्स, रिक्वायर्ड मतलब निर्माण के लिए कितने की जरूरत है, ठीक है, तो 64 मेल गैमेट्स, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास कहाँ पे आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ, कौन से चैप्टर से बेटे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कि हमें प्लांट्स के अंदर 64 मेल गैमेट्स बनाने के लिए कितनी मियोटिक डिविजन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो थोड़ा सा हमें इसको कॉन्सेप्चुअली लेके जाना पड़ेगा, डायरेक्ट हम नहीं निकाल पाएंगे। कारण क्या है कि पहले हमें क्या पता होना चाहिए बेटे, 64 मेल गैमेट्स, 64 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने माइक्रोस्पोर लगेंगे, हमें ये पता है बेटे एक माइक्रोस्पोर से हमें 2 मेल गैमीट मिलते हैं, एक माइक्रोस्पोर से हम लोगों को 2 मेल गैमीट मिलते हैं, ठीक है, एक पोलन ग्रेन में हमारे पास एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट हम लोग जो है वो काउंट करते हैं, है ना, तो एक माइक्रोस्पोर से एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट, तो एक माइक्रोस्पोर से 2 मेल गैमीट, तो हमें आइडली कितने माइक्रोस्पोर्स की रिक्वायरमेंट है, वी रिक्वायर्ड
भाई एक माइक्रोस्पोर से दो मेल गैमेट, तो 64 मेल गैमेट के लिए हमें कितने चाहिए बेटे, 64 डिवाइडेड बाय 2, 32 मेल गैमेट, ठीक है, 32 मेल गैमेट, 32 मेल गैमेट नहीं बेटे, 32 माइक्रोस्पोर, 32 माइक्रोस्पोर, 32 माइक्रोस्पोर रिक्वायर्ड है हमें। अब 32 माइक्रोस्पोर एक पोलन मदर सेल में मियोसिस, एक डिप्लॉयड पोलन मदर सेल में अगर हम मियोसिस करते हैं तो हमें कितने मिलते हैं बेटे, 4 माइक्रोस्पोर। एक पोलन मदर सेल में अगर हम मियोसिस करते हैं तो कितने माइक्रोस्पोर मिलते हैं, 4। बट अगर हम कहें कि 32 माइक्रोस्पोर चाहिए तो कितने पोलन मदर सेल चाहिए या कितनी मियोसिस चाहिए, दैट इज n बाय 4, 32 बाय 4, दैट इज 8 पोलन मदर सेल चाहिए हमें, और 8 पोलन मदर में 80 मियोसिस करके हम 32 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। 32 माइक्रोस्पोर से हम फर्दर माइटोसिस करके 64 मेल गैमेट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक बार वापस से रिकॉल करती हूँ, 64 मेल गैमेट्स के लिए आपको चाहिए बेटे 32 माइक्रोस्पोर, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर से दो मेल गैमेट बन जाएंगे। फॉर 32 माइक्रोस्पोर आपको पोलन मदर सेल चाहिए 8, और 8 पोलन मदर सेल में 8 मियोसिस करने के बाद आपके पास 32 माइक्रोस्पोर आ जाएंगे, उनमें फर्दर माइटोसिस करने से 64 मेल गैमेट्स आ जाएंगे, क्लियर। तो आर आंसर विल बी 4th one। सेकेंड है बेटे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजियोस्पर्म, अगेन उसी चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सो फर्स्ट इज करेक्ट ढूंढना है, माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर बेटा हैप्लॉइड सेल, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस ही किया कि एक पोलन मदर सेल में मियोसिस करके हमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मिलते हैं, एक डिप्लॉयड पोलन मदर सेल में मियोसिस करके हमें 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मिलते हैं। वो माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप होता है पोलन ग्रेन में, तो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बेटे दैट इज अ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन विच बियर्स मेल गैमीट, पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमीट होते हैं। तो माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यस। एक माइक्रोस्पोर में फर्दर दो माइटोसिस करके हम एक मैच्योर पोलन ग्रेन बनाते हैं जिसके अंदर दो मेल गैमीट होते हैं, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मेगास्पोर इज डिप्लॉयड, गलत। मेगास्पोर बेटे अगेन हैप्लॉयड होता है, मेगास्पोर भी फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट होता है। जब हम न्यू सेलस सेल में से एक सेल को डिफरेंशिएट करते हैं विच इज मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस करके हम लोग क्या बनाते हैं बेटे, मेगास्पोर। हम लोग क्या बनाते हैं, मेगास्पोर। इस मेगास्पोर में से हम लोग मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में हम लोग 3 माइटोसिस करके 7 celled 8 न्यूक्लियाई फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं विच इज एम्ब्रियो सैक। तो एक मेगास्पोर से हम फर्दर 3 माइटोसिस करके एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं। मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यस इट इज ट्रू। मेगास्पोर इज डिप्लॉयड, नो। मेगास्पोर इज हैप्लॉइड स्पोर, फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड बॉडी का पहला स्पोर है। इन 80% एंजियोस्पर्म्स एम्फीट्रोफस, एम्फीट्रोफस टाइप ऑफ ओव्यूल आर प्रेजेंट। बेटे ओव्यूल की बहुत सारी टाइप है हमारे पास, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, ऑर्थिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, मल्टीपल टाइप ऑफ ओव्यूल। जो एंजियोस्पर्म में मोस्ट कॉमन ओव्यूल की टाइप है बेटा, दैट ओव्यूल इज नॉट एम्फीट्रोपस, इट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। जो हमारे नॉर्मली हमने जो डायग्राम्स में ड्रॉ करते हैं दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। एंड इन जिम्नोस्पर्म जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है। जिम्नोस्पर्म में जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल है दैट इज अ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, बट एंजियोस्पर्म में नॉट एम्फीट्रोपस, इट्स एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। एंगल्स बिटवीन माइक्रोपाइल, चलाजल एंड फ्यूनिकल्स के बीच में एंगल के बेसिस पे हम ये टाइप्स डिसाइड करते हैं फर्दर। सो बी एंड डी आर इनकरेक्ट, पर हमें ढूंढनी है करेक्ट स्टेटमेंट्स
करेक्ट विल बी ए एंड सी. वेयर इज ए एंड सी? दिस विल बी द आंसर, ए एंड सी ऑप्शन. तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का क्वेश्चन है, जहां पे हमें क्या पूछा गया है, स्किन कलर एंड हाइट ऑफ ह्यूमन शो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. फर्स्ट वर्ड इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन होगा उतना ही फेनोटाइप एक्सप्रेस होगा. मतलब क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट जीन पे फेनोटाइप डिपेंड करते हैं. हाइट ऑफ अ ह्यूमन विद जीनोटाइप दिस कंप्लीटली डोमिनेंट इज 180 सेंटीमीटर एंड कंप्लीट रिसेसिव स्मॉल सी बेटे इट इज अ 120 सेंटीमीटर. क्लियर? तो हमें दो जीनोटाइप की हाइट निकालने बोला गया बेटे. एक तो हेट्रोजाइगस कंडीशन और एक हमारे पास है जिसमें एक ही रिसेसिव जीन है, रेस्ट आर डोमिनेंट जीन. तो हम देख लेते बेटे ईच डोमिनेंट अलील का कितना कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन डोमिनेंट अलील, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन डोमिनेंट अलील इज इक्वल टू मैक्सिमम जितना बेटे हाइट या कलर दिया गया हो, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील. नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील बेटे हमें कौन से लेने हैं जो हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल करवाए गए हों. ठीक है, उसमें हमें कंडीशन में लेना है मैक्सिमम अवेलेबल करवाए गए हों. तुम्हारे पास कितना आएगा, मैक्सिमम 180 माइनस 120 मिनिमम दी गई है और नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील हमारे पास यहां पे है बेटा 6. सो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन डोमिनेंट अलील हमारे पास कितना आ गया, 10. ठीक है, रिसेसिव का हम 120 मान के चल रहे हैं, डोमिनेंट का हमारे पास कितना आ गया, 10. इस फॉर्मूला से हम लोग फर्दर, अब हमें पहली ऑप्शन दी गई है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन कि इसमें हेट्रोजाइगस फॉर ए, हेट्रोजाइगस फॉर बी, हेट्रोजाइगस फॉर सी में कितना कंट्रीब्यूशन होगा. तो बेटे रिसेसिव का कंट्रीब्यूशन ले लिया हमने, ठीक है, 120 प्लस डोमिनेंट कितने हैं, 1 2 3 डोमिनेंट है हमारे पास, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना गया, 120 प्लस 30 150 सेंटीमीटर. इस तरीके से हम निकाल लेंगे. क्लियर? नीचे वाली सिचुएशन में अगेन हमारे पास क्या सिचुएशन है बेटे, 120 मिनिमम तो है ही, प्लस डोमिनेंट अलील कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 5. तो 5 के लिए एक डोमिनेंट अलील का कंट्रीब्यूशन 10 है, 5 का 50, तो हमारे पास आ जाएगा बेटे 170 सेंटीमीटर. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है. तो हमारे पास फर्स्ट रिस्पेक्टिवली भी लिखा है, यस रिस्पेक्टिवली भी लिखा बेटे, अदरवाइज हमारे पास ये दोनों आंसर क्लैश करते. तो फर्स्ट जीनोटाइप हमारे पास ये पूछा गया एंड सेकेंड 170 सेंटीमीटर. क्लियर? रिस्पेक्टिवली आंसर पूछा गया. और बहुत लंबा करना हो, लेंदी करना हो, लेंदी तरीके से भी हम निकाल सकते हैं एक एक जीन की कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना, बट ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है कि आपको कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वन डोमिनेंट अलील निकालना है. तो जितना भी मिनिमम है उसके साथ जितने भी नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स हैं वो हम लोग एड ऑन करके अपना एवरेज हाइट निकाल सकते हैं इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में. क्लियर? सो नेक्स्ट, मेल चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कलर ब्लाइंड एंड हिज पेरेंट्स कुड बी. ठीक है, दो सिचुएशन है बेटे हमारे पास, दो एनालिसिस आ रहे हैं. एक मेल चाइल्ड है, हमने कहा उसका ब्लड ग्रुप बेटे ए बी है एंड इज कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड. ठीक है, वो पर्सन चाइल्ड क्या बेटे, कलर ब्लाइंड है, तो उसका जीनोटाइप कलर ब्लाइंड में इस तरीके का होना चाहिए. कहते उसके पेरेंट्स कैसे होंगे, ये केस हम स्टडी कर रहे हैं, इस मेल चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए बी. तो पहले मैं सिंपली ब्लड ग्रुप को लेती हूँ बेटे. अगर हमारे पास बच्चे का ब्लड ग्रुप ए है
तो डेफिनेटली पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? वन पेरेंट शुड बी ब्लड विद ब्लड ग्रुप ए, पेरेंट शुड बी विद ब्लड ग्रुप ए. अगर होगा तो आई ए आई ओ हेट्रोजाइगस होगा या आई ए आई ए होमोजाइगस फॉर ए होगा. अनदर पेरेंट शुड बी विद ब्लड ग्रुप बी, तभी ये भी पॉसिबल है. तो बी आइदर हेट्रोजाइगस फॉर बी और आइदर होमोजाइगस फॉर बी. ठीक, क्योंकि इन दो केसेस में बेटा फिर बच्चे में ऑफस्प्रिंग में जो ब्लड ग्रुप है वो ए भी आ सकता है. एनी अदर चांस? यस, अगर बोथ द पेरेंट का बेटे ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप हो तब भी बच्चे में आने के चांसेस हैं. ठीक है, एनी केस, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेरेंट ए बी ब्लड ग्रुप है, सेकंड बी ब्लड ग्रुप है, तब भी ए बी आने के चांसेस हैं. ठीक है, कोई भी क्रॉस हम बना सकते हैं, फर्स्ट पेरेंट ए है, सेकंड ए बी है, देन भी आने के चांसेस हो सकते हैं. मतलब ये पॉसिबल फिनोटाइप्स थे हमारे पास. इस किसी केस में अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए बी आ रहा है तो पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता. O is a homozygous recessive. तो यहाँ पे O blood group नहीं हो सकता. तो first में options delete कर सकते हैं हम लोग. Father normal vision with blood group A, mother with color blind with blood group O, O blood group बेटा नहीं हो सकता. Father color blind with O blood group नहीं हो सकता. Father normal vision with blood group A, mother color blind with blood group V, ये हम check कर लेते हैं. Father color blind with blood group O नहीं हो सकता. ओ ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता. अब हमारे पास कलर ब्लाइंड की ऑप्शन चेक करनी है. पेरेंट्स तो यही हो सकते थे, आइदर ए बी या ए एन बी. ठीक है, चलो आंसर हमें वेरी क्लियर है. कम टाइम हो तो आप डेफिनेटली आंसर को चूज कर सकते हो, बट हम कलर ब्लाइंड वाली ऑप्शन को भी एक बार चेक करेंगे. बेटे अगर मेल चाइल्ड कलर ब्लाइंड है, दैट मीन्स उसमें एक एक्स जो है वो मदर से आया है, तो मदर शुड बी कलर ब्लाइंड और कैरियर. मदर जो है बेटे वो या तो कैरियर होगी या डेफिनेटली कलर ब्लाइंड होगी. फादर कलर ब्लाइंड हो भी सकते हैं, नॉर्मल विजन के भी हो सकते हैं, दैट विल बी द पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो हमने कहा फादर नॉर्मल विजन. ठीक है, फादर अगर नॉर्मल विजन के हैं, क्योंकि फादर से तो वाई बच्चे को पास हुआ है. फादर नॉर्मल विजन विद ब्लड ग्रुप ए एंड मदर कलर ब्लाइंड विद ब्लड ग्रुप बी. मदर कलर ब्लाइंड है, डेफिनेटली बेटे या तो कैरियर या कलर ब्लाइंड जरूर होना पड़ेगा, तभी मेल चाइल्ड में जो है वो डिजीज पास ऑन हुई है. ठीक है, तो डेफिनेटली फादर का ब्लड ग्रुप हम ए कंसिडर करते हैं, मदर का बी कंसिडर करते हैं, दैट इज द आंसर. पहले हमने थोड़ा इजी मैथड करके ऑप्शन को डिलीट किया, देन हम कलर ब्लाइंड वाली ऑप्शन पे चले जाते हैं. ठीक है, नहीं तो अगर हम पहले कलर ब्लाइंड वाली ऑप्शन को चूज करेंगे बेटा थोड़ा सा प्रॉबेबली कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप के लिए फिक्स्ड है कि पेरेंट का जीनोटाइप इन्हीं में से कुछ होना चाहिए. ठीक है, सेकंड, अ पिलियोट्रॉपिक जीन इज वन विच पिलियोट्रॉपी. ठीक है, एक सिंगल जीन पिलियोट्रॉपी बेटे जो मल्टीपल इफेक्ट शो करे. एक ही जीन है जो काफी सारे रिस्पॉन्सेस को शो कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, सिकल सेल अनीमिया. एक ही जीन है जो पर्सन को सिकल सेल अनीमिक भी बना सकता है. ठीक है, वो सिकल शेप आरबीसी कॉज कर सकता है, मलेरिया से भी प्रोटेक्ट कर लेता है. तो काफी सारे जो फेनोटाइप्स शो कर सकता है सिकल सेल अनीमिया के केस में, क्योंकि अलग अलग कंडीशन है. HBS. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फेनोटाइप्स हमारे पास वहां पे शो होते हैं. ठीक, तो अफेक्ट वन कैरेक्टर पिलियोट्रॉपिक जीन कैन अफेक्ट मेनी कैरेक्टर्स, मेनी फिनोटाइप्स. अफेक्ट्स मोर देन वन कैरेक्टर, डेफिनेटली मेनी फिनोटाइप्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप्स शो कर सकता है एक सिंगल जीन. सप्लीमेंट्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, रिक्वायर्स अनदर जीन फॉर एक्सप्रेशन. सप्लीमेंट्स द इफेक्ट फॉर अनदर जीन बेटे ये कुछ कंडीशन हमारे पास एपिस्टेसिस, कि दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर लेना, दूसरे के इफेक्ट को इन्हांस कर लेना, या कुछ कॉम्प्लीमेंट्री जीन के केसेस जिसमें एक के साथ दूसरे को आना ही पड़ता है उसके अफेक्ट को
इन्हांस करने के लिए. सो पेलियोट्रॉपिक जीन इज क्लियरली अफेक्ट्स मोर देन वन कैरेक्टर, जो एक जीन बहुत सारे फेनोटाइप्स या कैरेक्टर्स को शो कर सके. सो नेक्स्ट, इफ अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है बेटे हमारे पास ये. इफ अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है, हमारे पास डीएनए का सीक्वेंस है बेटे टी ए टी सी जी ए जी. टी ए टी सी जी ए जी डीएनए, डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या आएगी, ए टी ए जी सी टी सी. अब हमें क्लियरली पता बेटे टी और ए, ठीक है, पिरिमिडीन एंड प्यूरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड बन रहा है बेटे. जी एंड सी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा बेटा वो कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड. यहाँ पे बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है. हम काउंट कर लेते हैं, हमारे पास जो ए और टी नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं वो डबल बॉन्ड बनेंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे. तो हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, फोर तो 80 है बेटे, हमारे पास 4 80 है. तो एक 80 के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 4 × 2 8 हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर. फिर जीसी कंटेन है 1, 2 एंड 3, 3 हमारे पास क्या बेटे जीसी, जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 3 × 3 = 9 हाइड्रोजन बॉन्ड. सो टोटल 17 हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर. टोटल हमारे पास कितने आ गए, 17. ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी एंड सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ए एंड डी 4 है तो 8 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी एंड सी 3 है तो 9 हाइड्रोजन बॉन्ड. टोटल 17 हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दिस डीएनए फ्रेगमेंट. सो नेक्स्ट, इन एन एक्सपेरिमेंट डीएनए वॉज फाउंड टू हैव 30% एडेनिन एंड 90% ग्वानिन, द क्वांटिटी ऑफ साइटोसिन शेल बी. तो बेटा इसमें हमारे पास एक रूल है, चारगॉफ रूल. हम एक चारगॉफ रूल अप्लाई करेंगे जिसमें प्यूरीन एंड पिरामिडिन की रेशियो 1:1 रहती है. हम लोग कहते हैं टी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस जी, बराबर का अमाउंट रहता है. कारण सिंपल है बेटे, ए ऑलवेज बाइंड्स विद टी एंड जी ऑलवेज बाइंड्स विद सी. ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी एंड सी नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, ए एंड डी जी एंड सी. तो हमारे पास एडेनिन का अमाउंट कितना दिया गया बेटे, 31%, मैंने 31 मान लिया. एंड ग्वानिन इज 19, ग्वानिन इज 19, टोटल 50. तो जितना ए एंड जी होगा टी एंड सी भी उतना ही होगा. एंड दूसरी हम रीजन लगा सकते हैं कि जितना ग्वानिन होगा बेटे उतना ही साइटोसिन होगा. अगर ग्वानिन 19 है तो ग्वानिन के पैरेलली साइटोसिन भी उतने आएंगे, तो साइटोसिन इज आल्सो 19 सिंपली, ठीक है. जितना ग्वानिन होगा साइटोसिन भी उतना ही होगा. फिर इसको चाहे हम कितने भी फॉर्मूलाज लगा के निकाल लें, अल्टीमेटली आंसर हमारे पास यही आना है, ठीक है. चाहे हम ये मान लें कि हम एडेनिन और थायामिन दोनों का टोटल कितना बनेगा, दैट इज 62, ठीक है, 62 बन गया. रेस्ट जो 38 होगा वो जीसी होंगे, तो 19-19 ईच के पास वैसे भी आ जाएगा. पर सिंपली जितना जी होगा उतना इसी होगा, ग्वानिन एंड साइटोसिन का अमाउंट इक्वल होगा, 19 विल बी द आंसर, 19%. सो नेक्स्ट बेटे, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बॉटनी पेपर, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. एसटीपी क्या होता है बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब जो भी हमारा मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह होता है उसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया, जर्म्स या पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज कॉजिंग हो सकते हैं, उनको डायरेक्ट वाटर बॉडीज में हमें
डालने से पहले उस सीवेज को ट्रीट करना चाहिए प्रॉपर, उनके साथ पास माइक्रोबियल एक्टिविटीज करनी चाहिए, उसमें बीओडी लेवल जो है वो कम होना चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें किस तरह की स्टेटमेंट ढूंढनी है, इनकरेक्ट बेटे, ठीक है, हमें कौन सी स्टेटमेंट्स ढूंढनी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ट्रीट सीवेज टू मेक इट लेस पोल्यूटेड, ये तो मैं कह रही हूँ कि जितना भी एक्सक्रीटा होता है सीवेज के पानी को डायरेक्टली वाटर बॉडीज में रिलीज करने की बजाय हम उसको पहले कुछ ट्रीट करते हैं, कुछ फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल मेथड से, बायोकेमिकल मेथड से ट्रीट करते हैं ताकि वो लेस पॉल्यूटेड हो जाए एंड देन उनको वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाए। सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है जूलॉजी पार्ट में 54 से स्टार्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, चलो देखते हैं। नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर वन, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इन द स्क्रोटम इज अबाउट 2 डिग्री टू 2.5 डिग्री लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये तो एकदम सही है, यही है स्क्रोटम का बेनिफिट, स्क्रोटम का एडवांटेज, दैट इज वी कॉल्ड स्क्रोटम एज थर्मोरेगुलेटर्स फॉर टेस्टिस। समझ गए, तो ठीक है भाई, ये तो ठीक हो गया। दूसरा है ट्यूनिका एल्बिजीनिया, एल्बिजीनिया या एल्बिगिनिया, बोथ आर करेक्ट। ट्यूनिका एल्बिजीनिया इज अ फाइबरस कवरिंग सराउंडिंग द टेस्टिस, यहां तक तो ठीक है, फाइबरस कवरिंग सराउंडिंग द टेस्टिस सिचुएटेड अंडर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अंडर ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये रॉन्ग है। मैं बता दूं आपको स्टूडेंट्स कि जो टेस्टिस है वो 3 टिश्यू लेयर्स का बना होता है, 3 टिश्यू लेयर्स से बनता है। द आउटर वन इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनालिस, मिडिल वन इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बिजीनिया विच फॉर्म्स द होल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड द लोअर वन इज द थिन लेयर कॉल्ड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो ट्यूनिका एल्बिजीनिया बीच में होता है, बिटवीन ट्यूनिका वेजिनालिस एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा, यहां लिखे हैं अंडर ट्यूनिका वेस्कुलोसा, इसीलिए रॉन्ग है। तो यही बनेगा आंसर, क्योंकि पूछा है यहां पर इनकरेक्ट, राइट। थर्ड एंड फोर्थ भी देख लेते हैं एक बार। थर्ड वन, सर्टोलाई सेल सीक्रेट्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन माने एबीपी दैट कॉन्सेंट्रेट्स टेस्टोस्टेरोन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये तो ठीक है, नाम ही है एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन सर्टोलाई सेल्स के थ्रू, बिल्कुल सर्टोलाई या सर्टोली सेल्स, बोथ आर करेक्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन इज द वास्ट डिफरेंस लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट जॉइंट्स टू द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स टू फॉर्म इजेकुलेटरी डक्ट, ऑब्वियसली 100% ठीक है, कोई भी इसमें डाउट की गुंजाइश नहीं है। तो यहां पूछा इनकरेक्ट, आंसर इज 2, 54 का 2। चलते हैं आगे, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई क्वेश्चन नंबर 55 इन द जूलॉजी पार्ट 2, मतलब क्वेश्चन तो 2 बनेगा जूलॉजी पार्ट में। तो आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेबल्ड ए बी सी एंड डी इन द डायग्राम बिलो फ्रॉम द लिस्ट 1 to 6 गिवन अलोंग विद। ओके, दिए गए चित्र में दर्शाए गए घटकों ए बी सी तथा डी को नीचे दी गई सरणी में से 1 से लेकर 6 तक मिलान कीजिए। ठीक है भाई, करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको ये जो डायग्राम है ऊ जेनेसिस का डायग्राम दिया हुआ है। ऊ जेनेसिस, ऊ ओवा और एग्स, जेनेसिस द फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग्स इज कॉल्ड ऊ जेनेसिस, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन। तो ऊ जेनेसिस का डायग्राम दिया हुआ है, कैसे ओवम का फॉर्मेशन होगा, एंड उसके लिए ए बी सी दिए हुए हैं, यहां पर ए बी सी डी ऑप्शन दिए हैं और इनमें से 1 to 6 तक के हमको चूज करने करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ए यहां पर जो है, ए तो शुरू करते ए से, प्राइमरी ऊ साइड जो है बन जाएगा टू द सेकेंडरी ऊ साइड, ये हो गया ए और ए में है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो ए तो हो गया 2, यहां पर 2 2 में दिया है, राइट। तो ए हो गया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, लो भाई ए तो ये हो गया। दूसरा सेकेंड जो बी है, बी में, अच्छा ये बी यहां दिया हुआ, ये है सेकेंडरी ऊ साइड, तो B होगा हमारा सेकेंडरी ऊसाइट मतलब 3, तो लो भाई ये हो गया 3 सेकेंडरी ऊसाइट, A2 B3 ऑप्शन में तो 2 ही जा रहा है और कोई नहीं जा रहा, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट जल्दी से कर देते हैं, ऑप्शन इज 3, राइट, A2 B3। CD भी देख लेते हैं, C उगोनिया यहां पर हो रहा है, C उगोनिया, नंबर 1 इट इज द माइटोसिस डिवीजन ऑब्वियसली, तो ये C माइटोसिस डिवीजन हो गया, माइटोसिस हो रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन,
ठीक है, तो उगोनिया तभी तो बनना है ना प्राइमरी उस साइड, तो सी हो गया वन और लास्ट में डी हो गया फाइव, द फाइव क्या है फीटल लाइफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो ये फीटल लाइफ है क्योंकि बर्ड्स तो यहां से स्टार्ट होगी राइट ना, तो ये तो फीटल स्टेज में चल रहा है, दैट इज व्हाई द आंसर इज थ्री, 55 का थ्री ए टू बी थ्री सी वन जो कि यहां लिखे हुए हैं एंड डी फाइव, और कोई नहीं मिल रहा ऑब्वियसली, जल्दी से आंसर कर देते हैं टू द, तो चलते स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में, 56 इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, कहते हैं आईवीएफ ईटी पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, बिल्कुल, अब हमें यहां पर देखना है इस क्वेश्चन में कि आईवीएफ ईटी से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल आईवीएफ ईटी में इन्वॉल्व होता है, चलो बात करते हैं, द सीमन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वजाइना और यूटरस, स्टूडेंट्स इसे तो कहते हैं हम आईयूटी इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, यूटरस में करते हैं राइट, तो ये तो नहीं होएगा, दूसरा द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल यही है आंसर, 8 ब्लास्टोमियर ये जहां जाएगा जिफ्ट में, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर दिया हुआ ना, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर यहां, ठीक है ना, और यहां पर मोड़ दें तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा इन द फैलोपियन ट्यूब जिफ्ट, और यहां पर दिया है थर्ड में, तो इसीलिए आंसर टू जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, थर्ड वन ठीक है, और जो जिफ्ट है वो आईवीएफ ईटी में आता है राइट, थर्ड वन जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, मोर देन है नहीं भाई, बिल्कुल ट्रांसफर्ड इन द फैलोपियन ट्यूब, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर फैलोपियन ट्यूब में नहीं, यूटरस में जाता है राइट, एंड चलते हैं आगे, फोर्थ वन द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इन टू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, तो ये गिफ्ट में जाता है जीआईएफटी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो समझ गए, तो द मोस्ट नियरेस्ट और विच स्ट्रेट फॉरवर्डली कम्स इन द आईवीएफ ईटी सेकेंड ऑप्शन राइट, तो 56 का हो गया टू, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 57, ओके मैच द फॉलोइंग लिस्ट मैचिंग क्वेश्चन कॉलम वन कॉलम टू, दैट वी हैव टू मैच कॉलम वन फ्रॉम कॉलम टू, चलो टू कॉलम टू, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखते हैं, वन आरडीटी, आरडीटी ऑब्वियसली जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी राइट, तो ए फर्स्ट का हो गया डी, फर्स्ट का हो गया डी, दो में दे रखा है चलो बात कर लेते हैं भाई, दूसरा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट, ओके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं ऑब्वियसली द वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर का डेफिनेशन ही है डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए सेगमेंट्स, समझ गए, कॉल्ड प्लाज्मिड्स, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यहां आ रहा है वेक्टर हो गया ठीक है, ऑल्दो प्लाज्मिड नहीं दिया इट्स ओके वेक्टर तो है, और तुम जानते ही हो वेक्टर, तो वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर इट्स यूज दीज आर द डीएनए वी ऑल्सो कॉल देम वेक्टर डीएनए विच यूज एज अ व्हीकल टू ट्रांसफर द एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डिजायरेबल डीएनए, दो नाम दो काम, क्लोनिंग वेक्टर, जीन क्लोनिंग भी करवाते हैं और आपका ट्रांसफर भी करते हैं, दैट इज व्हाई दे कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर, दो नाम दो काम, तो ठीक है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वेक्टर हो गया, मैक्रो मोलिकुलर सेपरेशन, ओके तो ओके रुको उससे पहले, तो वन का हो गया डी, वन का हो गया डी, डी दो में दे रखा है, टू का हो गया ए, टू का ए दो में दे रखा है ठीक है, अब तो और देखना पड़ेगा, मैक्रोमोलिकुलर सेपरेशन ओके इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस राइट, मैक्रोमोलिक्यूल सेपरेट करते हैं डीएनए प्रोटीन एक्सेट्रा, समझ गए, तो थर्ड वन का होगा सी, तो वन डी टू ए थ्री सी, ऑब्वियसली स्टूडेंट आंसर इज थ्री राइट, वन डी टू ए थ्री सी और किसी में है नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपका जल्दी से थ्री चला जाएगा, एक और देख लेते हैं हम, डीएनए लाइगेज ऑब्वियसली कॉल्ड सीलिंग एंजाइम राइट स्टूडेंट्स, तो 4 बी हो गया आंसर, तुरंत से हमने मालूम पड़ गया द 3, 57 का 3, चलते टू द नेक्स्ट वन, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 जूलॉजी पार्ट पेपर कोड क्यू एग्जाम जीनियस, तो द नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड विद अ नंबर ऑफ यूजफुल एप्लीकेशंस, ठीक है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच. ओके, हमें देखना है यहां पर मिसमैच, ठीक है, कौन सा सही नहीं है. ओके, किसके थ्रू? ट्रांसजेनिक प्लांट यहां दिए गए हैं, रिगार्डिंग द ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड इट्स एप्लीकेशन. चलो भाई देखते हैं. गोल्डन राइस विटामिन ए रिच, ये तो बिल्कुल सही है, जानते हैं ना, गोल्डन राइस बीटा कैरोटीन विटामिन ए एनरिच्ड राइस टू ओवरकम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, राइट स्टूडेंट्स? तो ये तो ठीक है भाई, गोल्डन राइस. फ्लेवर सेवर टमाटो डिलेड राइपनिंग, ये भी सही है. फ्लेवर सेवर टमाटो बनाया गया था बाय आरएनएआई, राइट, एंड्रयू फायर एंड क्रेग मैलो ने, ठीक है, ये भी सही है, जिसमें एंजाइम जो है वो प्रोटीन बनाया, जो प्रोटीन जो है उसको डिले किया गया, जो जिसमें जो एक एंजाइम है पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट किया गया था बाय आरएनएआई, ठीक है, तभी जो टमाटर है उसकी राइपनिंग लेट हुई, तो टमाटर बिकम्स रेड एंड बिकम्स रेड एंड शेल्फ लाइफ ऑफ टमाटो, इसे काट दीजिएगा फिर से. तो व्हेन फ्लेवर सेवर टमाटो डिलेड राइपनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, तो ये भी ठीक है. डिलेड राइपनिंग हम जानते हैं, वी इनहिबिट द फॉर्मेशन और द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम पॉलीगैलेक्टुरोनेज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ टोमेटो फ्रूट, समझ गए? तो हमने वहां जो एंजाइम था उसको उसकी फॉर्मेशन को ही इनहिबिट कर दिया था बाई यूजिंग आर एन ए आई एंड इट इज डिस्कवर्ड बाई एंड्रयू फायर एंड क्रेग मैलो, ठीक है, तो इसीलिए वो भी सही है. और थ्री में देखते हैं टोबैको निमेटोड रेस्टेंट, ये भी सही है भाई, जानते ना, रूट नोट निमेटोड, इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम आर एन ए आई, दैट इज आर एन ए इंटरफेरेंस, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज जीन साइलेंसिंग टेक्निक, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एंटी सेंस आर एन ए, समझ गया? जहां पर हमने लिया था एक रूट नोट निमेटोड मेलियोडिगाइनी इनकॉग्निशिया, समझ गया, जो कि क्या करता था, विच इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, तो ये भी सही है. तो ऑब्वियसली अब तीन सही हो गए, तो आंसर जाएगा जो रॉन्ग होगा वो कॉर्न ब्रिंजल. एक्सप्लेन कर दूं, ऑल्दो ये रॉन्ग है और यहां तो मिसमैच पूछा गया है, इसीलिए आंसर हमारा फोर होएगा. मैंने बाकी में टिक लगाया बट यहां पर मैंने इधर लगाया, तो आंसर फोर होएगा. कॉर्न एंड ब्रिंजल रेस्टेंट टू बॉल वर्म इन्फेस्टेशन या इन्फेक्शन, नहीं भाई, बॉल वर्म तो कॉटन को करता है ना, कॉटन बॉल वर्म, याद है, क्राइजीन, इसीलिए आंसर इज मिसमैच पूछा है, रॉन्ग है, फोर. तो हो गया आपका 58 का फोर. चलते हैं आगे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59 इन बायोलॉजी जूलॉजी पार्ट. इन पीसीआर, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया. टैक पॉलीमरेज, ओके, अ थर्मोफिलिक एंजाइम, अ थर्मोफिलिक डीएनए पॉलीमरेज कॉल्ड टैक पॉलीमरेज, टीएक्यू पॉलीमरेज इज यूटिलाइज्ड, वेयर टैक मींस, ओके, टैक स्टैंड्स फॉर, तो टी फॉर थर्मस एंड ए फॉर एक्वेटिकस, ऑप्शन इज थ्री, राइट, 59 का थ्री, थर्मोफिलिक बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस, पता है आपको, इट्स अ थर्मोफिलिक, द हीट लविंग बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस से लिया गया था अ थर्मोफिलिक डीएनए पॉलीमरेज विच एक्टिवेट्स मोर देन 90 डिग्रीज तक एक्टिवेट रहता है, 90 प्लस डिग्रीज, राइट, थर्मस एक्वेटिकस, तो उसी के नाम रख दिया गया वो थर्मोफिलिक डीएनए पॉलीमरेज का टैक पॉलीमरेज, राइट स्टूडेंट्स, इन पीसीआर, ठीक है, तो आंसर जाएगा 59 का थ्री. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, रोजी अ ट्रांसजेनिक काउ, हम जानते हैं रोजी ट्रांसजेनिक काउ, वैसे ट्रांसजेनिक बना गया तो जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसमें रोजी थी काउ ट्रांसजेनिक काउ, डॉली शीप पॉलीमोली ईव्स एंडी मंकी, हम यहां बात कर रहे हैं केवल रोजी की, तो रोजी के बारे में बात करते हैं. रोजी अ ट्रांसजेनिक काउ इज नोन टू प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ मिल्क, हाँ बिल्कुल, विच हैज ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट पूछा गया यहां पर, मतलब कौन सा जो फीचर है वो रोजी काउ के मिल्क के लिए नहीं है, ठीक है, तो प्रोटीन कंटेंट 2.4 ग्राम पर लीटर, ये तो भाई सही है, ठीक है, हाँ, ऑप्शन टू में हैज ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन, बिल्कुल ये भी एकदम सही है, इसी का अमाउंट होता है 2.4 ग्राम पर लीटर. थर्ड वन, मोर बैलेंस्ड डाइट देन नॉर्मल काउ मिल्क फॉर बेबीज, ज्यादा न्यूट्रिशियस है, तो ये तो ऑब्वियसली सही होगा, तो ऑब्वियसली अब तीन सही है, तो चौथा है वही रॉन्ग होएगा, मिसमैच एक्सेप्ट पूछा है, मिसमैच नहीं एक्सेप्ट पूछा है,
ऑप्शन जाएगा हमारे लिए 4. द राइट आंसर कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस. नहीं भाई, रोजी काउ के मिल्क को हम सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट के रूप में यूज नहीं करते. तो यहां पर एक्सेप्शन पूछा है, बताया था मैंने कि कौन सा जो ऑप्शन है वो रोजी काउ के मिल्क के लिए नहीं है. ऑप्शन नंबर 4 आंसर जाता है 60 का 4. राइट, तो स्टूडेंट्स ये था पेपर कोड क्यू ऑफ द एग्जाम जीनियस सब्जेक्ट जूलॉजी क्लास 12th का कंप्लीट सॉल्यूशन. रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो ये एक रेशनल फंक्शन है. रेशनल फंक्शन की रेंज निकालने के लिए अपने पास एक स्टैंडर्ड मेथड होता है कि हम इस फंक्शन को y के बराबर मान लेंगे, y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी x स्क्वायर प्लस 2 माइनस y x प्लस 3 बराबर 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर. तो फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर अगर रेंज पता करनी है, दैट मींस कि इस क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट बदलेंगे जैसे जैसे y की वैल्यू बदलेगी. तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, यानी कि फॉर एवरी पॉसिबल कोफिशिएंट्स, x belongs to real number, मतलब इसके roots real होने चाहिए y की हर value के लिए. तो that means कि उसके लिए फिर a greater than 0, d less than 0, इसके लिए फिर discriminant इसका greater than equal to 0 होना चाहिए. So a की चिंता नहीं करनी है क्योंकि ये तो 1 दिया हुआ है, positive है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये 0 है या non 0 है क्योंकि एक quadratic रखनी ज़रूरी है. तो सीधा सीधा अपन लगा देंगे discriminant greater than equal to 0. तो यहाँ से b square minus 4 ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लगाया तो अपने पास आया, दो रूट्स आए यहाँ से, y माइनस 2 प्लस 2 रूट 3, इसको फैक्टराइज कर लिया a प्लस बी ए माइनस बी से, y माइनस 2 माइनस 2 रूट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो ये आया 2 माइनस 2 रूट 3 एंड 2 प्लस 2 रूट 3. तो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो अपन देखेंगे कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 इधर और इधर, देन इक्वल टू 0 इधर एंड इधर, इस तरह से इंक्लूडिंग दिस पॉइंट. तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस इनफिनिटी से लेके 2 माइनस 2 रूट 3 एंड 2 प्लस 2 रूट 3 से इन्फिनिटी. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया. अगला क्वेश्चन, एफ एक्स एंड जी एक्स टू बाइजेक्टिव फंक्शन. अगर दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है और डोमेन और कोडोमेन में दोनों में चार चार एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज मिल जाएगी. इसका मतलब है कि एफ के अंदर जो भी चार एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, उनकी उनके करस्पॉन्डिंग एक एक आउटपुट मिल जाएगा. तो कौन सा आउटपुट होगा ये हमें नहीं पता, बट हर एक एलिमेंट का एक इमेज एफ के अंदर यहाँ पे मिलेगा. तो एफ के अंदर एक एक इमेज मिलेगा. इसी प्रकार जी के अंदर भी सेम कहानी होगी कि इसके डोमेन में चार एलिमेंट हैं और इसके कोडोमेन में भी चार एलिमेंट है. लेट्स से कि ये कोडोमेन है इसका W X Y Z. तो एक एक इनपुट के लिए एक एक आउटपुट होगा. तो हम क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी रेंज ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो जी को जो इनपुट मिलेगा वो एफ का आउटपुट होना चाहिए. तो एफ का जो रेंज है वो जी के डोमेन के अंदर होना चाहिए. तो हम देखें कि जी के डोमेन के अंदर केवल दो एलिमेंट हैं जो एफ की रेंज के अंदर है, केवल दो एलिमेंट हैं. इसका मतलब है कि f के डोमेन में भी केवल दो ही एलिमेंट्स होंगे जो ये आउटपुट दे सकते हैं, और कौन से दो होंगे वो नहीं हम बता सकते. और उसके लिए ये g को एज एन इनपुट मिलेगा, ये g को एज एन इनपुट मिला, फिर g ने उसके करस्पॉन्डिंग क्योंकि ये 1-1-1-2 फंक्शन है तो एक एक ही आउटपुट ये निकाल देगा. तो कौन सा होगा ये हमें नहीं पता, बट इन चारों में से कोई दो एलिमेंट एज एन आउटपुट निकलेंगे. जैसे मान लिया कि अगर x निकला या फिर z निकला तो g की जो रेंज हो जाएगी, मतलब g ऑफ f ऑफ x की जो रेंज हो जाएगी वो निकलेगी ऐसे, x और y, x और z, ये केवल दो एलिमेंट उसके अंदर मिलेंगे इस तरह से. तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए बी इक्वल टू. ओके, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या खास बात होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की खास बात होती है कि उसके अंदर जितने भी रोज होते हैं उसके अलोंग जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं ये एक यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं. लेट्स से कि हम इनका नाम रखते हैं कुछ, अगर इनका कुछ नाम रख दें तो ये एक यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं कि जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3.
तो ये भी एक यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, ये भी एक यूनिट वेक्टर के, ये भी एक यूनिट वेक्टर के, इसी प्रकार कॉलम्स में भी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और ये तीनों यूनिट वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि कॉलम वाइज देखें तो ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अच्छा, अब उसने क्या बोला है कि 3A ये है तो A ऑर्थोगोनल है, तो पहले तो अपन A लिखेंगे कि A क्या आएगा, तो A आएगा 3 से डिवाइड कर दो पूरे मैट्रिक्स को, यानी कि हर एक एलिमेंट को 1/3, 2/3, 2/3, 2/3, 1/3, -2/3, A 2/3, A/3, 2/3, B/3, इस तरीके से ये निकला है A। और अगर A ऑर्थोगोनल है इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो यहाँ से A में एक इक्वेशन बनेगी, अपन देख सकते हैं कि भाई A का वैल्यू यहाँ पे साथ साथ, अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन जानते हैं तो सीधा सीधा दिख रहा होगा कि इसका मैग्नीट्यूड 1 करने से A का वैल्यू +-2 आ रहा होगा। तो यहाँ से इक्वल टू इसको 1 करना है, तो यहाँ से A स्क्वायर बराबर 1 आएगा, A स्क्वायर बराबर 4 आएगा और A बराबर +-2, ये साफ साफ दिख रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मिलकर 9 बनता है, तो 9/9 1 तभी हो सकता है जब A स्क्वायर का वैल्यू 4 हो, तो इस हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि A को +-2 होना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें से एक वैल्यू अपन को रिजेक्ट भी करनी पड़ेगी, एक वैल्यू रिजेक्ट क्यों करनी पड़ेगी वो अपन देख सकते हैं कैसे रिजेक्ट होगी वो दूसरी वैल्यू। आप देख सकते हो कि ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर भी होंगे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, तो आंसर आएगा, देखना क्या आएगा, 2/9 + 4/9, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर A को मैं प्लस का ले लेता हूँ तो ये फिर 4/9 ही आ जाएगा, अगर मैं माइनस का लेता हूँ तो सॉरी यहाँ पे 2/9 है, दिस इंटू दिस 2/9, तो A को अगर मैं -2 लेता हूँ तो फिर ये माइनस का 4/9 आएगा और ये जुड़ के 0 हो पाएंगे, तभी ये परपेंडिकुलर आएगा। इसका मतलब है कि A को -2 होना पड़ेगा, तो यहाँ से एक वैल्यू रिजेक्ट होगी, A का वैल्यू -2 आया। अब इसी प्रकार हम इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से B का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से B का वैल्यू, तो यहाँ से इन दोनों का डॉट लिया तो कितना आया 4/9, इन दोनों का डॉट लिया -2/9, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो आया +2b/9। इसको अगर 0 करना है तो आप देख सकते हो कि यहाँ से न्यूमरेटर बनेगा 2 + 2b/9, डिनोमेटर बराबर 0, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि b = -1, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं a = -2 b = -1, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 × -1 यानी कि 2, ये आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज बी, बी इज एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज बी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेयर एस इज दिस। इन्फिनिट सीरीज है क्योंकि इन्फिनिट जीपी जैसी दिख रही है, तो इन्फिनिट जीपी अगर है तो देखना पड़ेगा कि भाई इसका जो R है वो 1 से छोटा है या बड़ा है, तो A का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से अपन B का वैल्यू निकाले, तो B क्या है, B है डिटरमिनेंट ऑफ B जो कि डिटरमिनेंट ऑफ A के स्क्वायर के बराबर होगी, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट जो होता है डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1 होता है और n का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से इसका वैल्यू A है तो ये A स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से इसका वैल्यू 9 हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस इन्फिनिट सीरीज का 1/2 S बराबर इस इन्फिनिट सीरीज का A अगर 3 है तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3/9 यानी कि 1/3, तो इसको काट के 1/3 लिख देते हैं, प्लस फिर 3 स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर अपॉन b क्यूब को मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, सिंस b बराबर a स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर अपॉन a की पावर 6 बन जाएगी, तो दिस इज 1/a^4 विच इज 1/a is 3, तो दिस इज 81, इस तरह से, तो ये 1/81 बन गया अगला टर्म, 1/81 अगला टर्म है, दैट मीन्स कि 1/27 इसका कॉमन रेशियो है, तो A ये हो गया, तो इस प्रकार से आगे चलता रहेगा, आप कॉमन रेशियो देख सकते हो a/b² से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो a/b² का वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू a/a^4 दैट इज 1/a³ विच इज 1/27, तो यहाँ से ये अब इन्फिनिट जीपी बन गई, तो इसका समेशन 1/2s विल बी इक्वल टू a/1 - r विच इज 1/27, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो अपने पास बचेगा 9/26, तो इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इतना ही छोड़ देंगे, तो यहाँ से s विल बी इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 9/30, ये s का वैल्यू निकला है।
सिंस हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ए बी की वैल्यू और एस की वैल्यू डालो और आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू डाला 3, बी का वैल्यू डाला 9, तो 9 का स्क्वायर 27 प्लस 9 का स्क्वायर 81 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस ए स्क्वायर हो गया 9, बी स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 इंटू एस, एस का वैल्यू कितना आया 9/13 इंटू 9/13 ये डालते हैं तो ये बना 243 प्लस 81 प्लस 1 तो 82 कर देते हैं इसको, तो दिस विल बी 325 तो आंसर आया 325 इंटू 9/13। अब देखो ये कटता है क्या 13 से, तो 13 से कटा एक बार, 13 2 26 13 5 65 तो 25 इंटू 9 225 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला सवाल, इफ साइन 2x इज 1, तो साइन 2x का 1 है क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इस मैट्रिक्स का वैल्यू, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू पता करना है। तो साइन 2x सिर्फ हम 0 से 2π में चेक कर लेते हैं, उसके आगे तो वैल्यूज रिपीट होंगी, तो उसके आगे अगर वैल्यूज रिपीट होंगी तो फिर अपन बात कर सकते हैं कि भाई ये जो है इनकी वैल्यू अपने आप रिपीट होती चली जाएगी। अच्छा, तो अब इसका पीरियड जो होता है 4π होता है, इसका पीरियड जो होता है साइन 2x का, इसका पीरियड जो होता है पाई होता है तो इसका पीरियड पाई है, तो एक पाई साइकिल के अंदर अपन चेक कर सकते हैं, एक पाई के अंदर, तो 0 से लेके पाई के अंदर ये 1 कहाँ पे होता है, केवल पाई बाय 4 पे 1 होगा। अगर ये पाई बाय 4 पे 1 होता है तो कॉस पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। तो अब ये वैल्यूज अपन उठा के अगर यहाँ डाल दें, ठीक है, तो उसके अलावा अगर मैं चेक करूँ कि ये और जगह 1 कहाँ होता है, ये 5π/4 पे भी 1 हो जाता है, तो अगर ये 5π/4 पे भी 1 होता है तो फिर वहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो कॉस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू -1/√2 निकल आएगी। तो पहले क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इस डिटरमिनेंट को सिंपलीफाई करें तो आएगा 0 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स देन माइनस साइन एक्स देन माइनस साइन एक्स के साथ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो प्लस का साइन स्क्वायर एक्स इस तरीके से, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो माइनस का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बच गया कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, जो कि सीधा सीधा दिख रहा है कि कॉस एक्स और साइन एक्स यहाँ पे तो बराबर ही होने वाले हैं क्योंकि या तो ये पाई बाय 4 आ रहा है या 5π/4 आ रहा है, तो इन दोनों पे कॉस एक्स और साइन एक्स का वैल्यू बराबर होगा, तो इसकी वजह से ये क्वांटिटी सीधा सीधा जीरो हो जाएगी, तो इसलिए जो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया आंसर हो गया नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक डिटरमिनेंट लिखी हुई है तो इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो ये क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, ये क्वांटिटी लिखी हुई है e^ log ऑफ बेस ई, ये जो x है इसको इसके आर्ग्यूमेंट की पावर में ले जाओ e^x, तो ये log और e कट जाएगा, तो ये e^x लिखा हुआ है। इसी प्रकार ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है e^3x, और इसी प्रकार ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है e^5x, तो इस gx को सिंप्लीफाई करें तो gx आता है a^-6 a^x x² a^-3x a^-3x x^4 a^-5x a^-5x 1 इस तरीके से। अब देखिए जरा ऑप्शंस किस तरह के दिए हैं, चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि भाई ये ऑड इवन फंक्शन है, इस तरह से चेक करना है कि भाई इन दोनों का सम प्रोडक्ट इस तरह से, ये सब चीज़ें चेक करनी। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं x की जगह -x डालूँ तो क्या बनता है, आप देखोगे कि ये तो रो 1 तो रो 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी कॉलम 1 कॉलम 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉलम 2 कॉलम 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा a^x a^3x a^5x a^-6 a^-3x a^-5x x² x^4 1 इस प्रकार। और हमें पता है कि डिटरमिनेंट में अगर एक दो कॉलम आपस में इंटरचेंज है तो उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ से ये क्वांटिटी माइनस ऑफ जी एक्स के बराबर आ गई, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जी ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ जी एक्स के बराबर है तो दोनों का सम जीरो होने वाला है, तो इसलिए ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था ऑड इवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक इंटीग्रेशन है, ई रेज पर एक फॉर्मूला आता है हमारे पास ई रेज पर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये एग्जैक्ट फॉर्म है डॉट डी एक्स, तो इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन होता है ई रेज पर एक्स एफ एक्स प्लस सी, एन सी आर टी में भी दिया हुआ है ये फॉर्मूला,
एग्जैक्ट फॉर्म से आया ये फॉर्मूला प्लस सी इस तरीके से। तो अब हमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स अपन को आइडेंटिफाई करने हैं, साथ साथ यहाँ पे एक्स बनाना है, ठीक है। तो स्टेप वन तो यही है कि भाई 2x को अपन टी पुट कर दें, 2x को सबसे पहले टी पुट करें। तो 2x को टी पुट किया तो अपने पास आया dx बराबर dt अपॉन 2। तो यहाँ पे कहानी क्या बन जाएगी, ये पूरा इंटीग्रल कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, e रेश पावर t, ठीक है, साइन 2x की जगह साइन 4x की जगह साइन 2t माइनस 2 अपॉन 1 माइनस cos 4x की जगह 2t बन जाएगा, और dx की जगह dt बाई 2 तो एक 1 बाई 2 बाहर, इस तरीके से ये इंटीग्रल कन्वर्ट होके इसमें बन गया। अब एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनाने हैं तो इनको अलग अलग कर देते हैं, इस पार्ट को अलग कर देते हैं, इस पार्ट को अलग कर देते हैं। तो यहाँ से बनेगा हाफ ऑफ ई रेज पावर टी इंटीग्रल साइन 2t अपॉन 1 माइनस कॉस 2t माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2t, इस तरीके से ये बन गया डॉट dt। अब आप देखिए ज़रा इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो ये ऊपर तो बनेगा 2 साइन t कॉस t और नीचे बन गया 2 साइन स्क्वायर t, तो एक 2 से 2 गया, एक साइन t से साइन t गया, तो ये बन गया कॉट t, और ये बन गया 2 साइन स्क्वायर t, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर t तो 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया कॉस एक्स स्क्वायर t और ये बन गया कॉट t, कॉट t माइनस कॉस एक्स स्क्वायर t dt। तो हमें पता है कि कॉट t का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर टी, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि इसका आंसर शुड बी हाफ ऑफ ई रेज पावर टी कॉट टी, ठीक है, प्लस सी। बट आंसर टी की टर्म्स में नहीं दे सकते क्योंकि टी तो हमने इंट्रोड्यूस किया, तो टी की जगह 2x डालना पड़ेगा, तो आंसर होना चाहिए 1/2 ई रेज पावर 2x कॉट 2x प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। अगला सवाल, अच्छा सवाल है, ये एक फॉर्मेट होता है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का क्वेश्चन है, डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, इस तरह का फॉर्मेट है। अगर इस तरह का फॉर्मेट है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमेटर दोनों को एक्स क्यूब से डिवाइड करते हैं, तो ये इस प्रकार का फॉर्मेट बनता है, ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ पी प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, देन फिर इस क्वांटिटी को टी स्क्वायर पुट करते हैं। ये स्टैंडर्ड तरीका है इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करने का। अच्छा, ए और बी की जगह सी और पी और क्यू की जगह कोई भी कोफिशियंट कोई भी कांस्टेंट लिखे हो, तो हम देख सकते हैं कि ये यही फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमेटर को एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, कर दिया, तो यहाँ से बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर और रूट के अंदर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं तो होगा क्या कि ऊपर तो ऐसे सीधा सीधा हो जाएगा, नीचे क्या होगा एक एक्स स्क्वायर बाहर और एक जो एक्स बचेगा वो अंदर जाएगा, तो अपने आप वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस प्रकार से ये हो गया। अब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को टी स्क्वायर पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे, लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स बराबर 2t dt, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो एक माइनस को दूसरी साइड भेज देंगे, तो यहाँ से ये जो क्वांटिटी है ये बन जाएगी माइनस t dt, तो माइनस बाहर t dt अपॉन नीचे इस क्वांटिटी का क्या करेंगे, ये तो बन जाएगी t क्योंकि ये टी स्क्वायर है, तो ये बन गई टी, और इस क्वांटिटी का क्या करेंगे, इस क्वांटिटी में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा लेंगे यहाँ से, जो कि हो जाएगी टी स्क्वायर प्लस 1, वो यहाँ डाल देंगे, तो ये टी स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा, यहाँ से ये टी से टी कैंसिल, तो हमारा आंसर जो आएगा इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बचा माइनस dt अपॉन, इसको लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो आएगा माइनस 1 अपॉन a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये आंसर होना चाहिए। अब एक्स का वैल्यू डाल देंगे, एक्स का वैल्यू आएगा रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, तो आंसर कायदे से होना चाहिए माइनस 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स, इस क्वांटिटी का रूट लेंगे तो बचेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स
एक्स रूट टू प्लस सी, तो ये आंसर होना चाहिए। ऑप्शन वन में एक माइनस की कमी है, ऑप्शन टू में, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री नहीं हो सकता, ऑप्शन टू में वन बाई रूट टू है क्योंकि, तो वन बाई रूट टू, थ्री और फोर तो हो नहीं सकते, तो ऑप्शन टू से ये मैच कराया जा सकता है। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे मैनिपुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ये रेसिप्रोकल किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ किया गया कि देखना कि थोड़ी देर के लिए इसको अपन ए अपॉन बी की तरह ट्रीट करते हैं। तो लिखा हुआ है माइनस वन बाई रूट टू टेन इनवर्स ए अपॉन बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वन बाई रूट टू पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स ए अपॉन बी ऐसे, और कॉट इनवर्स ए अपॉन बी को मैं टेन इनवर्स बी अपॉन ए लिख सकता हूँ, है ना। वो डिपेंड करता है कि वो जैसे मेरे पास लिखा हुआ है कॉट इनवर्स वन बाय एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स एक्स अगर एक्स पॉजिटिव हो, और माइनस पाए प्लस पाए प्लस टेन इनवर्स एक्स अगर एक्स नेगेटिव हो। तो ये तो एनी वे कॉन्स्टेंट है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो अगर कॉन्स्टेंट आया भी तो वो तो सी में जाके मिल जाएगा, तो इस वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको सीधा सीधा ये माइनस अंदर भेज के इसको लिख सकता हूँ प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस वन बाय रूट टू, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट बन जाएगा, उसको सी में मैच करा देंगे, देन यहाँ पे बच जाएगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए, यानी कि ये रेसिप्रोकल हो गया। तो माइनस का भी उपयोग हमने कर लिया, तो इस क्वांटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं। इस c की जगह नया कांस्टेंट लिख के वन बाय रूट टू टेन इनवर्स एक्स रूट टू अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल प्लस किसी और c के लिए c डैश। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर टू। अगला सवाल, ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है। देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये एक ऑड फंक्शन है, ये अगर ऑड फंक्शन है तो फिर माइनस ए से ए में कोई भी लिमिट हो तो इसका आंसर सीधा सीधा जीरो आएगा। अब केवल ये चेक करना है कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन कैसे है, तो मान लीजिए कि ये एफ एक्स है, तो अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करेंगे तो आएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स एलन, एलन लॉग को एलन भी लिख सकते हो, वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, क्योंकि कैलकुलस में जो भी लॉग होता है उसका बेस हमेशा ई होता है, इस वजह से एलन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी से इसको इंटरचेंज करके एक माइनस बाहर ला सकते हैं, कॉस इवन फंक्शन है तो यहाँ से तो माइनस अंदर खत्म हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स एल एन वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, तो यहाँ से जो माइनस बाहर आया उसकी वजह से ये पूरा फंक्शन वापस एफ एक्स बन गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो इस प्रॉपर्टी से माइनस ए टू ए, प्रॉपर्टी सिक्स बोलते हैं हम जनरली इसको, एफ एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, सॉरी माइनस एफ एक्स। तो ये ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी का फॉर्म थ्री है, थर्ड फॉर्म है। इसकी दो कंडीशंस होती हैं कि अगर इसके बराबर होता है टू टाइम्स हो जाता है, अगर इसके नेगेटिव के बराबर आता है माइनस एफ एक्स के बराबर आता है एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इसका वैल्यू जीरो हो जाता है। तो यहाँ से इसका आंसर जीरो, केवल ऑड इवन चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है। तो सिंपल हम इनके ग्राफ जानते हैं, तो ये ग्राफ तो सब बच्चों को रटे होने चाहिए। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, वाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये वाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है। सिंस उसने वाई इक्वल टू रूट एक्स का नहीं, उसने वाई इक्वल टू रूट मॉड एक्स का ग्राफ पूछा है, तो यहाँ से यहाँ जब आते हैं तो एक्स की जगह हमें एक रिप्लेसमेंट करनी पड़ी है मॉड एक्स। तो इस रिप्लेसमेंट से होता क्या, आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले केवल पॉजिटिव वैल्यूज अलाउड थी, अब मॉड लगने की वजह से मैं एक्स की जगह नेगेटिव वैल्यूज भी डाल सकता हूँ, क्योंकि मॉड उसको पॉजिटिव करके एज एन इनपुट दे देगा। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू पहले 5 पे आ रही थी वही वैल्यू अब 5 पे भी आएगी, माइनस 5 पे भी आएगी। जो वैल्यू पहले 7 पे आ रही थी वो अब माइनस 7 और 7 पे भी आएगी। इसका मतलब है जो वैल्यू पॉजिटिव साइड पे आ रही थी वही वैल्यू नेगेटिव साइड पे भी रिपीट होने लगेगी। तो इसका मतलब है कि इसका ग्राफ वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड पे भी मिरर इमेज हो जाएगा ऐसा। तो अब ये पूरा जो ग्राफ बना है दिस एंड दिस, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो ग्राफ बना है दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये रूट मॉड एक्स का ग्राफ है, रूट मॉड एक्स का कंप्लीट ग्राफ है, और इसमें से ये जो ब्रांच है इसको अपन रूट एक्स बोल सकते हैं, और ये जो ब्रांच है इसको आप रूट ऑफ माइनस एक्स बोल सकते हैं। अच्छा, अब सिमेट्री से हमें दिख रहा है कि भाई ये दोनों ग्राफ जो है 1,1 से पास हो रहे हैं, माइनस 1,1 से भी पास हो रहे हैं, तो ये पॉइंट क्लियरली हमें पता है कि भाई ये 1 होगा,
तो ये 1,1 पे इंटरसेक्ट करेंगे y इक्वल टू x लाइन पे। वैसे भी पता है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो ये y इक्वल टू x लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा, अब इन दोनों का एनक्लोज एरिया पूछा गया है, तो एनक्लोज एरिया जो है वो ये शेडेड एरिया, दिस एरिया, ये एरिया हमसे पूछा गया। तो बाईसिमेट्री बोल सकते हैं, दोनों एरिया बराबर हैं, तो केवल एक एरिया निकाल के उसको इसको ए बोल देते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है हमारा वो 2 times ए हो जाएगा। तो अभी हम रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 times ए। हमारा क्या है, ए आप देख सकते हो 0 to 1 इंटीग्रल होगा, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन। तो 0 to 1 लिमिट हो गई, अपर फंक्शन है रूट एक्स और लोअर फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1 में। तो ये हो जाएगा 2 times एक्स रेज पर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ पे 1 डालेंगे तो बचेगा 2 × 2/3 माइनस 1/3, तो ये बचा 1/3 × 2, तो पूरा आंसर आया 2/3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए। डबल कर दिया हमने ऑलरेडी, 0 डालने पे तो 0 हो जाएगा इस वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व। अगर ये एक जनरल 2D इक्वेशन दी गई है तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, जनरल 2D इक्वेशन क्या क्या हो सकती है? पेयर ऑफ लाइंस हो सकती है जो कि कोई एरिया एनक्लोज नहीं करेगी, तो इसका मतलब पेयर ऑफ लाइंस नहीं है। फिर ये सर्कल हो सकती है या पैराबोला हो सकती है या एलिप्स हो सकती है या हाइपरबोला हो सकती है। तो पैराबोला और हाइपरबोला अपने आप में कोई एरिया एनक्लोज नहीं करते, तो ये दोनों भी रिजेक्ट हो गए। तो बचे केवल 2 curve, या तो सर्कल या एलिप्स। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि एक्स वाई का टर्म 0 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये सर्कल तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसको एलिप्स ही होना पड़ेगा अगर एनक्लोज एरिया है तो। बट ये एलिप्स टिल्टेड एलिप्स है और इसका सेंटर कहीं हो रहा है, ओरिजिन पे सेंटर भी नहीं है इसका। तो फिर हम किस प्रकार से पता करें इसका एरिया? तो सबसे पहला कि एक बार जस्ट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इसका अगर आप डेल्टा चेक करोगे तो डेल्टा इसका आप चेक करोगे तो वो नॉन जीरो आएगा, और इसका एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू आप चेक करोगे तो वो लेस देन 0 आएगा। तो मैं डेल्टा का वैल्यू तो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आप खुद चेक कर सकते हैं डेल्टा का वैल्यू नॉन जीरो आएगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू मैं आपको चेक करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एच का वैल्यू है 3, ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है 2। तो आप देख सकते हो एच स्क्वायर इज 9 माइनस ए बी इज 10, तो 9 माइनस 10 इज माइनस 1, तो ये क्लियरली लेस देन 0 आ रहा है, इस हिसाब से ये एलिप्स हो जाएगा। अच्छा, अब अगर ये एलिप्स है तो अब हम इसका करें क्या? ये एलिप्स मतलब कि ये स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है, मतलब ये ऐसा वाला एलिप्स तो है नहीं है, और ना ही ये ऐसा कि ओरिजिन के ऊपर ही टिल्टेड हो, ऐसा एलिप्स भी नहीं है। ये तो किसी और पोजीशन पे इस प्रकार पड़ा हुआ कोई एलिप्स है जिसके एक्सिस भी टिल्टेड है, इसका सेंटर भी कहीं और है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करें कि इसका सेंटर पता कर लें। इसका सेंटर पता करके फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस सेंटर को उठा के ओरिजिन के ऊपर रख देंगे, मतलब इस सेंटर की शिफ्टिंग करा देंगे, इसको ट्रांसलेशन करा देंगे कि ओरिजिन पे इसका सेंटर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोल लो आप कि ओरिजिन को शिफ्ट करके हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी उसमें फिर अपन एक प्रोसेस लगाएंगे, वो उसके बाद आपको बताते हैं कि सबसे पहले अपन क्या करें कि ये काम कर लें कि एक्सिस को शिफ्ट करके इसके सेंटर पे ले आए। तो सबसे पहले इस एलिप्स का सेंटर कैसे निकाला जाएगा? किसी भी कॉनिक का सेंटर निकालने के लिए आपको एक प्रोसेस बताई होगी कि डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, जो भी आपको एक्स वाई का फंक्शन दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो इक्वल टू 0, एंड डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, ठीक है, तो इक्वल टू 0। तो ये दो लीनियर एक्सप्रेशन आएंगे, इन दोनों को सॉल्व करने से कोई भी कॉनिक को उसका सेंटर निकल आएगा, सेंट्रल कॉनिक अगर है तो। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये लाइंस बन रही हैं 10x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0, एंड y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो बचेगा 6x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। अब ये दो लाइंस, इन दो लाइंस को अगर मैं सिर्फ सॉल्व करूँ तो मेरे पास आएगा x बराबर 2 एंड y बराबर माइनस 9/2। तो इस एलिप्स का जो सेंटर आ रहा है, एक बार मैं रीड्रॉ कर देता हूँ इसको, इस प्रकार का एलिप्स ये कुछ है। तो लेट से ये एलिप्स है और इसका सेंटर ये जो आ रहा है, इसका जो सेंटर आ रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 2, -9/2। अब इसको अगर ओरिजिन पे शिफ्ट करना हो, इसके सेंटर को उठा के ओरिजिन पे शिफ्ट करना हो, तो हमें कुछ रिप्लेसमेंट्स करनी पड़ती हैं। वो रिप्लेसमेंट क्या करनी पड़ेंगी? मुझे रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी कि x को रिप्लेस करना हो
रिप्लेस करना पड़ेगा x प्लस टू से, जो इसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट है, और y को रिप्लेस करना पड़ेगा y प्लस नाइन बाई माइनस नाइन बाई टू से, तो y माइनस नाइन बाई टू से ये रिप्लेसमेंट मुझे करना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर ये रिप्लेसमेंट कर दूंगा। जैसे मैं ये रिप्लेसमेंट करूंगा तो आप देखेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर x की जगह x प्लस टू एंड y की जगह पे y माइनस नाइन बाई टू ये डाल दिया हमने। तो जैसे ये डाला तो इसके बाद ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, 5x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 2y स्क्वायर। यानी कि ये 2 डिग्री वाला पार्ट तो अनचेंज रहेगा, ऐसे कैसे रहेगा, और जो ये लीनियर वाला पार्ट है ये पार्ट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म बचेगा वो बचेगा माइनस हाफ बराबर जीरो। तो ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये इलिप्स हुआ, तो हुआ क्या है कि ये इलिप्स शिफ्ट होके ओरिजिन पे आ गया, यानी कि इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी कि ये इलिप्स यहाँ पहुंच गया कुछ इस प्रकार से, ये इसका सेंटर इधर ट्रांसफॉर्म कर दिया ओरिजिन के ऊपर आ गया। तो इसका मतलब है कि शिफ्टिंग से इसका एरिया तो चेंज नहीं होगा, जितना एरिया यहाँ पे था उतना ही एरिया यहाँ पे भी होगा। अब हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा एरिया निकालने का, जब ओरिजिन के ऊपर आ जाता है तो उसके बाद फिर हमारे पास एक प्रोसेस होता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस। अब ये कर्व है जो ओरिजिन के ऊपर आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे, इससे आर डिस्टेंस पे, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का थीटा एंगल पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, इस प्रकार से। अब थीटा को वेरी कराएंगे तो आर अपने आप वेरी होगा, ये आर और थीटा वेरी होंगे तो ये पॉइंट इस इलिप्स के ऊपर चलेगा। तो जब ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा इस समय तो आर का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, और जब ये पॉइंट यहाँ पहुँचेगा तो आर का वैल्यू मिनिमम आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम, तो इसके लिए इसके करस्पॉन्डिंग आर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर हम थीटा पता कर लें तो फिर हमें ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे, आर मैक्स और आर मिनिमम का वैल्यू मिल जाएगा। तो जो हमारा आर मैक्स होगा उसी को हम सेमी मेजर एक्सिस बोल सकते हैं, और जो हमारा आर मिनिमम होगा उसी को हम सेमी माइनर एक्सिस बी बोल सकते हैं, और फिर उसके बाद सीधा सीधा एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला होता है पाई ए बी, ये लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस सिंपल है। तो एक्स की जगह पे आप आर कॉस थीटा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा डाल दीजिए, तो ये बनेगा आर स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ से, तो बचेगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से भी आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 6 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हाफ। तो यहाँ से r का वैल्यू मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो r को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी क्वांटिटी को दूसरी साइड, और रूट ऑफ 1/2 अंदर बचेगा, ये प्लस ये मिलके देखो 2+3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये बचेगा 3 sin 2 थीटा। तो पूरा फॉर्मेट जो है साइन 2 थीटा में बना लेते हैं, ये ब्रैकेट बंद। अब इसको साइन 2 थीटा में बनाएं तो ये बनेगा रूट ऑफ 1/2 यहाँ से 2+2 4, और इसका फॉर्मूला होता है 1+cos 2θ/2। तो ये 2 अंदर भी मल्टीप्लाई होता है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 3+3 cos² θ, तो 3+3 cos 2θ प्लस 3 sin 2θ, 6 हो जाएगा, 6 sin 2θ ये बन गया। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जब आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आर का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगा हमें। तो यहाँ से अपन क्या बात करेंगे, थोड़ा सा स्पेस अपन को चाहिए यहाँ पे, तो मैं ऊपर वाले एलिप्स को मिटा के थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इस एलिप्स का कोई काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे ऊपर, अब बाकी कैलकुलेशन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि a sin 2θ + a sin θ + b cos θ टाइप का कर्व है, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -√a² + b² से लेके +√a² + b² होगा। तो इस क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी की बात करें हम, केवल इतनी क्वांटिटी की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका वैल्यू आएगा 3² 9 + 36 45, तो -√45 से +√45। तो जब ये क्वांटिटी मिनिमम होगी तो उस समय आर मैक्सिमम आ रहा होगा, और जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी तो आर मिनिमम आ रहा होगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि सीधा सीधा आर मैक्स जो आएगा वो कितना आएगा, आर मैक्स जब ये मिनिमम होगा तो -√45, तो रूट के अंदर 1/7 -√45, और आर मिनिमम आ रहा होगा जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी विच इज़ +√45, तो 7+√45।
अब एरिया ऑफ दिस इलिप्स विल बी इक्वल टू, तो इसी को मैं ए बोल सकता हूँ, इसी को मैं बी बोल सकता हूँ, तो पाई ए बी दैट विल बी इक्वल टू पाई इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट दैट विल बी रूट के अंदर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1/49 - 45 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ये बच्चा पाई बाय 2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी और डिफिकल्ट था, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी डिफिकल्ट है, इसमें इस कर्व को सीधा सीधा हम प्लॉट करना बहुत मुश्किल है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई के रोल रिवर्स करके, सबसे पहले तो मॉड को हटाओ, तो मॉड को हटा के एक्स और वाई के रोल रिवर्स किए तो हम इस ग्राफ को सबसे पहले प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करेंगे तो सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव वगैरह निकाल के एफ डैश एक्स निकाल लिया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि अपन को दिख रहा है कि भाई इसका डोमेन तो -1 से 1 के बीच में ही होगा, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। तो फिर इसको अगर मैं प्लॉट करूँ, और वैसे भी एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो डोमेन 0 से 1 ही प्रॉबेबली रह जाएगा। तो केवल इतने फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इतने फंक्शन का डोमेन तो -1 से 1 होगा, तो -1 से 1 के बीच में इसको प्लॉट करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला, दैट विल बी इक्वल टू एक्स को छोड़ा इसका डेरिवेटिव -x/√1 - x2, फिर +√1 - x2 को छोड़ा एक्स का डेरिवेटिव 1, तो इसका एलसीएम लिया तो बच्चा -x2 ये 1 है, प्लस एलसीएम लिया तो 1 - x2/√1 - x2, तो ये आ जाएगा 1 - 2x2/√1 - x2। इसको फैक्टराइज किया तो बच्चा 1 + √2x 1 - √2x/√1 - x2, तो ये आया एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स एक ही बात है। तो आप देख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स +-1 पे अनडिफाइंड है, इसका मतलब +-1 पे ये वर्टिकल हो रहा होगा, और -1/√2 एंड +1/√2 इसके जीरोज हैं, तो -1/√2 एंड +1/√2 इसके जीरोज हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम मिनिमा है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, किस तरह के पॉइंट्स हैं, तो सिंगल सिंगल पावर है तो मैक्सिमम मिनिमा ही होने चाहिए प्रॉबेबली। तो सबसे राइट में इस नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, फिर बीच में पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन चेंज होगा, फिर नेगेटिव, तो इसका मतलब है यहाँ पे मिनिमा है और 1/√2 पे मैक्सिमा है, -1/√2 पे मिनिमा एंड +1/√2 पे मैक्सिमा है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, -1 से लेके 1 के बीच में, और 1 पे वर्टिकल एसिम्प्टोट जैसा बन रहा है, और इधर भी, ठीक है, डेरिवेटिव अनडिफाइंड है बट फंक्शन 1 पे 0 हो रहा है, तो फंक्शन 1 पे 0 हो रहा है, फंक्शन 0 पे भी 0 हो रहा है, -1 पे भी 0 हो रहा है, और मैक्सिमम मिनिमा आ रहे हैं, तो मैक्सिमम मिनिमा -1/√2 पे +1/√2 पे आ रहे हैं, ये -1/√2 पे मिनिमा, तो इसका मतलब ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, या मैक्सिमा, फिर ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ। अब अगर मैं इसी की हेल्प से अगर मैं वापस से एक्स और वाई का रोल रिवर्स करूँ तो जो ग्राफ आएगा वो आएगा x = y√1 - y2। इसको प्लॉट करूँ पहले, तो क्योंकि ये इसका इन्वर्स फंक्शन है तो सीधा सीधा इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही रोल रिवर्स करने पे इस तरह से प्लॉट हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट 1, ये पॉइंट -1, ये पॉइंट -1/√2, ये पॉइंट 1/√2, और ये जो वैल्यू आ रही है हाईएस्ट, ये 1/2 आ रही है, ये -1/2 आ रही है, ये यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। अब फिर इसका मॉड लेंगे, तो अब इसमें क्या करा हमने, y की जगह मॉड y रिप्लेस कर दिया तो ये ग्राफ बना, y की जगह मॉड y रिप्लेस कर दिया ऐसा करने से ये बना, तो इसका मतलब हुआ क्या कि पॉजिटिव y वाली वैल्यू नीचे कॉपी हो जाएंगी और नेगेटिव y वाली वैल्यू रिमूव हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का प्लॉट होगा, ऐसा और ऐसा, ये वाली वैल्यू 1/2 इस तरह का। अब इसके साथ मुझे एरिया एनक्लोज बताना है इस पैराबोला का, जो कि y² = x+1 टाइप का पैराबोला है, यानी कि राइट वर्ड ओपनिंग है, -1 पे इसका वर्टेक्स है तो ये -1 पे वर्टेक्स है, और x = 0 पे 1, तो इसी पॉइंट से इन दोनों पॉइंट से गुजर रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार का पैराबोला है, अलग कलर से बनाते हैं हम इसको, ये कुछ इस तरह का पैराबोला है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, ये तीनों एरिया का सम हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि पैराबोला का जो इनक्लोज एरिया है वो तो हम सीधा सीधा ये एरिया निकाल के डबल कर देंगे, ये वाला एरिया निकाल के, और ये एरिया हम इंस्टेड यहाँ से निकाल लें, ये एरिया हम यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि ये दोनों एरिया बराबर होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ से निकाल के उसका डबल कर देंगे। तो इसको आप A2 बोल दो, इसको आप A1 बोल दो, तो A2 हम अलग से निकाल लेते हैं। A2 कैसे आएगा, A2 आएगा यहाँ से 0 से 1 इंटीग्रेशन करना अपन को, किसका, इस फंक्शन का, किसका, x√1 - x2 का, x√1 - x2 का,
dx. तो इसको सब्सटीट्यूट करके आप निकालोगे तो ये जो एरिया आएगा ये आई थिंक 1/3 निकल के आएगा. और फिर इसी प्रकार अगर हम ये एरिया निकालेंगे a1, तो a1 आएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 2 टाइम्स ऊपर वाला जो फंक्शन है रूट ऑफ x प्लस 1 है, रूट ऑफ x प्लस 1 dx कहाँ से कहाँ तक है, ये माइनस 1 से 0 है, माइनस 1 से 0. इसको इंटीग्रेट किया तो ये बना 2 टाइम्स x प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 ऐसे, और इस पे लिमिट लगेगी क्या, माइनस 1 से 0. तो एक बार 0 डालेंगे तो 2/3 डाले बन जाएगा, माइनस 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा. तो सीधा सीधा ये तो आ गया 4/3, 2 टाइम्स कर दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये 2 टाइम्स a1 निकला है, ये 2 टाइम्स a1 निकला है सीधा सीधा. और ये a2 अगर निकल के आया तो 2 टाइम्स a2 जो होगा वो हो जाएगा सीधा सीधा 2/3. तो अब 2 टाइम्स बेसिकली हमें 2 टाइम्स a1 प्लस a2 चाहिए, तो 2 टाइम्स a1 प्लस 2 टाइम्स a2, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो 2/3 प्लस 4/3 मिलके 2 हो जाएगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है. तो थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन थी बट ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, सीधा सीधा डी ओवर डी एक्स निकालो. तो डी ओवर डी एक्स यहाँ पे न्यूटन लेबनीज थ्योरम से हो जाएगा, न्यूटन लेबनीज थ्योरम. तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम से इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/x³, और सीधा सीधा x बराबर 1 पे पूछा गया तो यहाँ पे x की जगह 1 डाल दो तो साफ साफ दिख रहा है 1/2, ये इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, जी एक्स ये फंक्शन है, देन जी एक्स इज इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा. तो जी डैश एक्स निकाला तो आएगा एफ डैश 2 - x इंटू -1 प्लस एफ डैश 4 + x इंटू 1, चेन रूल्स इस प्रकार से. तो अब हम क्या बात करेंगे कि एफ जी डैश एक्स इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, तो हमें देखना कि जी डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ पे होगा. तो जी डैश एक्स पॉजिटिव होगा जहाँ पे एफ डैश 4 + x ग्रेटर होगा एफ डैश 2 - x. इसको दूसरी साइड ले गए तो यहाँ से सिंस उसने एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसको इनइक्वालिटी में से रिमूव करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से ऐसा हो जाएगा. तो दिस विल बिकम 2x इज ग्रेटर देन -2, तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन -1, तो ये इस इंटरवल के लिए जी एक्स इंक्रीजिंग होगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया. अगला सवाल, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन. तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन है, अगर इसको इसी के टर्म्स में बनाए, इसी के टर्म्स में एक्स बाई टू बनाना हो तो हमें यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. ऊपर होनी चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स बाई टू का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ 1 बन जाएगा, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जैसा बनेगा. तो ऊपर तो बचा एक्स, नीचे बचा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 1. तो अब फॉर्मूला होता है 2t अपॉन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा. तो अगर ये tan स्क्वायर थीटा तो 2t चाहिए, तो एक 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई के लिए इस प्रकार से. अब देखो ये थोड़ी सी बेसिक मैनिपुलेशन थी, -2 tan इनवर्स एक्स बाई टू. अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि भाई इस एक्स बाई टू को, इस एक्स बाई टू को आप tan थीटा पुट करें, तो यहाँ से थीटा का इंटरवल शुड बी -π/2 से π/2. तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और -2 टाइम्स टेन इनवर्स टेन थीटा. तो थीटा -π/2 से π/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा -2 थीटा बचेगा. और इसको 2 थीटा बचाना है तो उसके लिए 2 थीटा को -π/2 से π/2 करना पड़ेगा. 2 थीटा को -π/2 से π/2 के बीच में क्लोज रख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि साइन में ऐसा चलता है. तो तब जाके ये थीटा से इंडिपेंडेंट आएगा, अदरवाइज तो ये -π - 2 थीटा या -π - +π - 2 थीटा आएगा, तो उस केस में थीटा कैंसिल नहीं होगा. तो इसके 3 केस बनते हैं, तो उनमें से केवल एक केस है जहाँ पे 2 थीटा जो है, क्योंकि आपको पता है कि साइन वर्स साइन 2x का ग्राफ जो है, साइन वर्स साइन x का ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार का बनता है कि ये जो इंटरवल है -π/2 से π/2 है, ये पॉइंट जो है पाई है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. इसी तरह से 2 थीटा लिखा जा सकता है. इस इंटरवल में इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, -2θ + π, और इधर लिखना पड़ेगा -2θ - π, इस प्रकार से ये लिखना पड़ेगा. तो अगर ये माइनस का आ गया तो फिर ये थीटा से इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो हम चाहते हैं कि ये प्लस का रहे, तो वो केवल इस इंटरवल में होता है जो कि 2 थीटा है. तो इस इंटरवल में 2 थीटा को -π/2 से π/2 होना पड़ेगा. तो यहाँ से थीटा को -π/4 से π/4 होना पड़ेगा, और यहाँ पे tan थीटा को -1 से 1 होना पड़ेगा,
और अगर टेन थीटा माइनस वन से वन है तो इसका मतलब एक्स बाई टू भी माइनस वन से वन हो गया। तो अगर एक्स बाई टू माइनस वन से वन हो गया तो इसका मतलब एक्स को माइनस टू से टू होना पड़ेगा। तो एक्स अगर माइनस टू से टू है तो माइनस टू से टू के इंटरवल में कितनी इंटीजर वैल्यूज आई, इंटीजर वैल्यूज तो माइनस टू से टू के बीच में पाँच इंटीजर वैल्यू आई, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, तो इसका आंसर पाँच होगा जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।